नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आप जानते हैं, बहुत ज्यादा अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। और इस बॉन्ड में मिले झटके के बाद अब बीजेपी के को एक और झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयुक्तों यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। 15 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बने नए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे। जी हां, 15 मार्च, आज 13 है यानी परसों फ्राइडे को। और इधर EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा भी जोर पकड़ता जा रहा है, या कहें तो जोर पकड़ सकता है। दरअसल देश के कई वकील पहले ही EVM में धांधली पर सवाल कर चुके हैं और अब राहुल गांधी ने भी EVM को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। आज राहुल गांधी जब लोगों से मुखातिब हो रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो कुछ लोग EVM पूछने लगे। और वहां राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है EVM पर, आइए जरा सबसे पहले सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है वहां पर, चुनाव आयोग भी है, जब EVM है तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति है और साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। सुनिए पहले राहुल गांधी EVM पर क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, आपने EVM की बात की, बिल्कुल सच है। क्या 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 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? EVM हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि EVM में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक एक इलेक्शन कमीशनर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ने मिलने का वक्त नहीं दिया। अगर परसों तक नए इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति हो जाती है तो क्या EVM पर विपक्षी दलों को मिलने का वक्त मिलेगा, यह देखना होगा। यहां एक बात और डिस्क्लोजर कह सकते हैं हम, ये कि लगातार आज दिन भर एक राजपत्र जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें दो इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम आ रहे हैं और उनकी नियुक्ति हो गई है, राष्ट्रपति ने मोहर भी लगा दी और आज ही ये लोग ऑफिस संभाल लेंगे। लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है, फर्जी है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी था, इसलिए इस बात को यहाँ रख रहे हैं। ये बात जो है इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति की है, तो इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति के बाद क्या EVM का मामला जो है वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि तब क्या चुनाव आयुक्त जो हैं वो विपक्षी दलों को मिलने का समय देंगे, बड़ा सवाल है। फिलहाल तो चुनावी पर्दे पर एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता नजर आ रही है दोस्तों, और दूसरी तरफ बीजेपी की फ्लॉप होती स्कीम्स दिख रही है। कल आदिवासियों के लिए घोषणाओं के बाद आज महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। नारी न्याय गारंटी में वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपये का वादा कांग्रेस ने किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, 5 गारंटी है नारी के लिए, महिलाओं के लिए, इसमें अलग अलग महालक्ष्मी योजना जो है उसमें, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 1,00,000 रुपये सालाना का वादा, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है जो यहां कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का ये चुनावी तीर किस तरह बाजी पलट देगा, इस पर आगे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी बीजेपी जिस तरह चौतरफा घिर चुकी है वो देखना भी दिलचस्प है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद मोदी सरकार का एक और तीर बेकार साबित होने वाला है। वैसे भी बीजेपी का तर्कश अब लगभग खाली हो चुका है। राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में ही मोदी ने कर दिया था और फरवरी आते आते चुनाव में मंदिर की घंटी का शोर धीमा पड़ गया। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आनाकानी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो कल शाम SBI ने भी एक पेन ड्राइव में बॉन्ड खरीदने वालों के नाम, उनकी कीमत, बॉन्ड को भुनाने वाले दलों के नाम, ये सब चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के जरिए दे दी है। और इधर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का तीर जो है वो भी
बीजेपी ने चल दिया, कल आपने परसों शाम को आपने देखा, लेकिन उसमें भी बीजेपी को एहसास हो चुका है कि ये वार भी खाली ही चला गया है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने पहले एक पॉजिटिव नोट अपनी वेबसाइट पर डाला जिसमें बताया गया कि देश के 18 करोड़ मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं होगा, उनकी नागरिकता किसी तरह प्रभावित नहीं होगी, लेकिन बाद में इस नोट को होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से हटा दिया गया है। खैर, मोदी सरकार को यह नोट जारी करने और फिर इसे हटाने की क्या जरूरत पड़ी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सीएए को लेकर बीजेपी ने जो भी चुनावी फायदे की उम्मीदें पाली होंगी वह सब यहां ध्वस्त नजर आ रही हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी के तर्कश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के तीर तो बेकार हो ही चुके हैं, दूसरे दलों में तोड़फोड़ करने का जो नतीजा है वो भी बीजेपी भुगत रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार और महाराष्ट्र हैं। ये दोनों राज्य बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को सीटों के बंटवारे में आ रही दिक्कत जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। दरअसल बिहार में जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान, पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, चाचा भतीजे के बीच पार्टी का बंटवारा हो चुका है आप जानते हैं, और जीतन राम मांझी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के नेता, इनको संभालने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, और वहीं उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को एक साथ साधने में बीजेपी की हालत खराब हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है और खूब धूम मचा रही है। युवाओं की गारंटी के बाद आदिवासियों के लिए गारंटी और राजनारी न्याय गारंटी की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, जिसका जिक्र पहले कर चुका हूं। कांग्रेस ने इस नारी न्याय गारंटी की घोषणा जो की है उसमें जो चीजें हैं, अब जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए, उस पोस्टर को जिसमें कांग्रेस ने महालक्ष्मी, फिर आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्री बाई फुले छात्रावास नाम से 5 प्रमुख वादों की रूपरेखा तैयार की है। ये देख लीजिए, आधी आबादी पूरा हक, महालक्ष्मी, अधिकार मैत्री हर पंचायत में, और उसके अलावा शक्ति का सम्मान और सावित्री बाई फुले छात्रावास, 2 गुना कामकाजी महिला हॉस्टल हर जिले में न्यूनतम, ये आप देख रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए 5 कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, जो यहां सामने बताया जा रहा है। तो दोस्तों, कांग्रेस अब विजेता पार्टी की तरह बात कर रही है, युवा शक्ति की बात हो, चाहे नारी शक्ति की बात हो, चाहे आदिवासी वंचित शक्ति की बात हो, हर जगह विजेता की तरह कांग्रेस अपनी बातों को रख रही है, जबकि बीजेपी अब डिफेंसिव हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अधीर रंजन चौधरी और एक केंद्रीय मंत्री का पैनल जो है वो चुनाव आयोग में आयुक्तों के दोनों खाली पदों के लिए बैठक करने जा रहा है, लेकिन आज ही मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर जो 2 अभी होते हैं यानी टोटल 3, इनके चयन के लिए बनी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देती हुई एक याचिका पर कल सुनवाई होनी थी, जो आज होनी थी, लेकिन एडीआर की तरफ से यह दाखिल की गई याचिका है। इसमें 2 और भी हैं कांग्रेस के नेता और महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश भी इसमें है, तो 3-4 याचिकाएं और उस पर सुनवाई होनी थी। यह सुनवाई तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने किया था, आज ये सूचीबद्ध भी थी, और 3 जजों की पैनल है वो ये इस पर आज सुनवाई करने वाला था, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए, यानी अब ये साफ है कि चुनाव आयोग में किसी भी किस्म के खेल पर रोक लगाने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट ने कर ली है और उस पर पूरी नजरें टिकाए हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ये खबर भी बीजेपी के लिए एक झटका ही है दोस्तों, और झटके कई हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा बहुत झटका लगता हुआ उधर भी दिखाई दे रहा है, जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उधर जम्मू कश्मीर में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और अब कई जगह वो सफाई देते हुए नजर आते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, आप पिक्चर देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर दाहिने साइड, ये क्या कुछ कह रहे हैं और किन किन पार्टियों ने क्या कुछ कहा है, जरा इनकी बात सुन लेते हैं। और इनकी याद अब कल से बहुत परसों से ज्यादा आएगी, क्योंकि परसों इनको एनी हाउ
एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरे डॉक्यूमेंट्स इनको सौंपे हैं उसको इनको वेबसाइट पर अपलोड करवाना है। लेकिन आज अलग अलग पार्टी विपक्षी दलों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सफाई दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, सुनिए। पार्टीज में बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई, और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके पीडीएफ, पीडीपी पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है? मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूं। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका यह भी कहना था, लगभग सबका, काफी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का यह भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है, कुछ पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में जो डीडीसीए के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीजें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का यह मान था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहां भी हैं कैंप्स में उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों में ना कराया जाए। तो सुन रहे थे आप यहां राजीव कुमार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इनके दो साथी अभी इनका साथ छोड़ चुके हैं, एक रिटायर हो गए हैं, दूसरे इनका साथ छोड़ करके चले गए, और इसके लिए कल बैठक होनी है और उस बैठक के बाद तय होगा कि दो साथी इनके और कौन होंगे जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और वो सब मिलकर कितनी जल्दी चुनाव की घोषणा करते हैं ये सब देखना होगा। लेकिन इस बीच जब चुनाव की बात हो रही है तो अभी अभी खबर ये भी आई है कि बीजेपी ने चुनाव में लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, और उस लिस्ट में 72 लोग हैं, 72 प्रत्याशी हैं, जिसमें नितिन गडकरी का नाम भी है और जिसमें नाम मनोहर लाल खट्टर का भी है। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है आप जानते हैं, और उनका नाम भी है, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का चुनाव। और साथ में सबसे बड़ी बात कि नितिन गडकरी को लेकर कई चर्चा चल रही थी, महाराष्ट्र की पूरी लिस्ट आ गई है, महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर भाजपा लड़ रही है ये सब हम आपको बताएंगे, पूरी लिस्ट आप तक रखेंगे, और उसके अलावा तमाम कई इसमें भी मंत्री शामिल हैं, और ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। अलग अलग दादर नगर हवेली से दिल्ली की दो सीटों के लिए भी हैं, हर्ष मल्होत्रा और योगेंद्र चंदोलिया हैं, फिर उसके अलावा गुजरात के लिए 10 सीट, गुजरात की 10 सीटें, और ऐसे 6 हरियाणा की सीटें, ये सब जो बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है 72 प्रत्याशियों की, वो लिस्ट आपके सामने है। महाराष्ट्र के यहाँ पर 15-20 महाराष्ट्र में 20 सीटों की घोषणा, अपने प्रत्याशियों की घोषणा महाराष्ट्र में बीजेपी ने कर दी है। तेलंगाना में अपने लिए 10, तेलंगाना में 6, त्रिपुरा में 1, और ऐसे कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश, अनुराग ठाकुर देख लीजिए ऊपर सबसे ऊपर नाम है, 2 प्रत्याशियों के लिए, मध्य प्रदेश में 5 प्रत्याशियों के लिए, मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट में भी नाम थे कुछ, कर्नाटक के 12 और कर्नाटक में 20 कुल, तो ये सब हैं, और इस प्रकार 72 हैं टोटल प्रमुख नाम, धीरे धीरे आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी अभी ये लिस्ट आई है, और कांग्रेस की 2 लिस्ट आ चुकी है, एक में 39, दूसरे में 43। तो आइए दोस्तों, इन सब के बीच
चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अलग अलग न्याय योजनाएं, न्याय गारंटी, इन सब की चर्चा। और चर्चा में हम जाने से पहले जरूर ये रखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या झटके पर झटके खा रही बीजेपी अब चारों ओर से घिर गई है, एक बड़ा सवाल है। और ये घेराव चुनाव में बड़े उलटफेर का इशारा है क्या? और क्या चुनाव से पहले चौतरफा फंस गई है मोदी सरकार या चौतरफा फंस गई है बीजेपी, ये भी समझेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे जल्दी जल्दी आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत टंडन जी, दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, सुनील शुक्ला जी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा प्रशांत टंडन जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। लिस्ट आ गई है बीजेपी की, जरा पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की लिस्ट पर अगर आपके पास लिस्ट हो तो, और क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी स्पेशली बात करनी है। और आज शेयर बाजार धड़ाम हो गया है, 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के, 13 लाख करोड़ रुपए। 5-6 लाख करोड़ रुपए की बातें तो सुनता था, लेकिन सुबह सुबह आंख खुलती है और देखिए तो 13 लाख करोड़ स्वाहा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कोई मामला है यहां पे? SBI का इधर और SEBI उधर, दोनों में भी बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नितिन गडकरी नाम है दूसरी लिस्ट में, और महाराष्ट्र की लगभग पूरी लिस्ट है, या हो सकता है कि और भी आ जाए, क्योंकि 35 सीटों पर भाजपा चाह रही है लड़ें, 20 सीटों के लिए महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी घोषणा कर दी है। प्रशांत जी, नहीं, लिस्ट तो राजीव जी अभी मैंने नहीं देखी, जो आपने बताया है उसी से मैं अंदाज लगा रहा हूं कि नितिन गडकरी का नाम उसमें आ गया है, और नितिन गडकरी का नाम आना था। अभी इतनी बड़ी मछली को निकल पाना बड़ा मुश्किल काम होगा इनके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र में 31 से 32 या 35 जैसा आप कह रहे हैं उतनी सीटों पे लड़ना चाहती है जी। और अजीत पवार काफ़ी नाराज हैं, और अजीत पवार ये कह रहे हैं कि हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और अजीत पवार को अभी तक जो उनके हिस्से में सीटें आएंगी वो 3-4 सीटें ही आएंगी, और शिंदे गुट शिवसेना को 12-13 सीटें मिलेंगी। तो शिंदे ग्रुप भी उतनी सीटें मांग रहा था जितनी शिवसेना को मिला करती थी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इस बार जो सीटों का बंदरबांट था उसमें तराजू के साथ खेल कर दिया है, और इन दोनों अपने पार्टनर्स को इनकी जगह बता दी है। अब देखना यह है कि ये दोनों पार्टनर शिवसेना शिंदे और अजीत पवार, हालांकि इनके सामने कोई विकल्प नहीं है कि ये माने, लेकिन हाँ, इनको देखना चाहिए मुड़ कर जरा हरियाणा की तरफ कि JGP का क्या हाल हो रहा है। तो बीजेपी से हार पिलाने का क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? JGP के चार या पांच विधायक बागी हो गए, विप को नहीं माना, विप इशू हुआ था JGP की तरफ से हरियाणा में कि आपको एब्सटेन करना है, यानी सदन में नहीं जाना है। उनके 4 विधायक सदन में देखे गए विप का उल्लंघन करते हुए। अब वो बातें अभी सामने आएंगी। तो महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है राजीव जी, 17 तारीख को वहां रैली है। 17 तारीख से पहले इंडिया गठबंधन का सीटों का ऐलान वहाँ हो जाएगा। वो जो 5-6 सीटों पे एक मामला है, साउथ सेंट्रल सीट मुंबई की है या रामटेक की सीट है, इसको लेकर 1-2 सीटों पे घर्षण है वहाँ पे, वो मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो है वो हो जाएगी। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी, स्टॉक मार्केट आज क्यों गिर गया? कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एक लिस्ट दे दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इलेक्शन कमीशन को, और हलफनामा भी दे दिया, और आज सुबह स्टॉक मार्केट गिर गया। क्या इन दोनों का रिश्ता है? क्या स्टॉक मार्केट को पता चल गया? क्योंकि स्टॉक मार्केट देखिए गिरा करीब
लेकिन अडानी की कंपनियों के शेयर गिरे 8-9% जी, तो ज्यादा बड़ी बिजली अडानी जी के ऊपर गिरी है। अब इसका वाकई क्या रिश्ता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो हमको देखना होगा आगे जब ये मामला खुलेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या पेच है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, आगे क्या होने जा रहा है, इस पर अपनी बात रखूंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात राजीव जी ये है कि आपने कहा कि क्यों गिर गया स्टॉक मार्केट। जनवरी के महीने में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 3.8% गिरी है, रूरल इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, अर्बन इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, यानी ओवरऑल जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो चरमराई है। और ये डेटा जब NSSO का आया है, उस वो डेटा का भी एक इम्पैक्ट इसमें होगा, अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर भी होंगे, लेकिन ये बड़ा फैक्टर है। और एक जो सेंटिमेंटल असर है वो शायद SBI की लिस्ट का रहा होगा। तो अभी ये सेकेंड राउंड पे आऊँगा तो मैं बात करूँगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी करेंगे हम, और बात जो है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की भी हम कर रहे हैं साथ साथ पैरेलली, और बहुत सारी बातें CAA की बात भी हम कर रहे हैं कि कैसे यहाँ भी बैकफुट पर। तर्कश में जितने भी तीर थे, मुकेश जी आपके पास आना चाहता हूँ, क्या सारे तीर धीरे धीरे, शुरुआत में कह भी रहा था, वो खाली होते हुए, निशाना चूकते हुए दिखाई दे रहे हैं? और उसमें आप देख लीजिए, और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये छन छन कर उन कंपनियों के नाम भी बाहर आ रहे हैं, और कंपनियां जो हैं वो बहुत डरी हुई हैं। 22,000 से ज़्यादा की जो लिस्ट है जो खरीदे गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, वो उसके बारे में आज SBI ने हलफनामा दे दिया है। 22,217 कम नहीं होते हैं, और हो सकता है कि एक ने 200 बार खरीदा हो, 200 बॉन्ड खरीद लिया हो, और ऐसे 200 अलग अलग कंपनियां भी हों, बाहर वाले भी हों, ये सब तो धीरे धीरे आएंगे। और क्या यहाँ से, क्योंकि परेशानी ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे कि आखिर परेशानी कहाँ है, कहाँ यहाँ से किस दिशा में ये चुनाव जाता हुआ दिखाई देता है? मुकेश जी देखिए राजीव, इलेक्ट्रल बॉन्ड बस एक ही काफी है इस बर्बाद गुलिस्ताब करने के लिए। अब वो ऐसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो पैसा दिया गया है जी। हम सब जानते हैं पॉलिटिकल फेवर लेने के लिए दिया जाता है पैसा राजनीतिक दलों को, लेकिन ये पैसा वाइट में दिया गया है। आम तौर पे रिश्वत ब्लैक में दी जाती है। जब कोई व्यक्ति वाइट में दे रहा है तो वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं? एक यस कॉर्पोरेट के लोग होंगे जो आसानी से वाइट में देने में कंफर्टेबल है, दूसरे वो लोग हैं जो बेनामी कंपनियां हैं जो बड़ी संख्या में निकलेंगी, पक्का निकलेंगी, तीसरी वो कंपनियां हैं जो परसों एक बात कह रहे थे नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, सॉवरेंटी के ऊपर प्रशांत बोल रहे थे, वो कंपनियां भी बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगी जिन कंपनियों ने अपने इंडियन आउटफिट के जरिए, अपनी इंडियन सब्सिडरी के जरिए बड़ी संख्या में चढ़ावा चढ़ाया है वाइट का पैसा। ये बहुत साफ काम की बात है। इसमें वाइट आम तौर पे रिश्वत का लेन देन हम लोग सब देखते रहे हैं, वो होता है ब्लैक के पैसे में, ताकि वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके। यहां तो पहले दिन से आपको पता है, और मजे की बात देखिए, जो लोग भी गोपनीयता के भंग होने के आश्वासन की दुहाई देते हैं, जैसे कल भी बात आपने की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की जी, अदीश अग्रवाला की ना, ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय ये भ्रष्ट कानून संसद में बनता है जिसे आगे चल करके असंवैधानिक करार दिया जाता है, उस भ्रष्ट कानून को लाते समय ये प्रोविजन उस कानून के अंदर है कि जरूरत पड़ने पर ये डाटा डिस्क्लोज हो जाएगा। जो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है उस क्लॉज को कोर्ट के आदेश पे या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के आदेश पे उनकी जरूरत के हिसाब से इसे डिस्क्लोज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोविजन नहीं था कहीं कि नहीं साहब, देने वाले को नहीं पता था कि कभी कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जब हमारा नाम डिस्क्लोज हो सकता है, उसे अच्छे से पता है। मैं बताना यही चाहता हूं कि देने वाले को ये अच्छे से पता है कि नॉर्मल कोर्स में ये नहीं पता चलेगा,
सर्टन सर्टन चांसेस में ये पता चलेगा, और उसने जरूर अपने लिए इस बात का इंतजाम सोचा होगा कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भी पता चलेगा तो मुझे अपनी खाल कैसे बचानी है, और मुझे अपनी खाल कैसे बचानी है इस बात का ताल्लुक इस शेयर बाजार में हो रही भयंकर हलचल से समझिए। शेयर बाजार में हम सब समझते हैं, जनता भी समझती है कि वहां पर मेन फंक्शन होता है सेंटिमेंट का। शेयर बाजार को यह साफ दिख रहा है कि यह जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पिटारा खुलने वाला है, ये पिटारे से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी कंपनियां होंगी जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिनके शेयर्स लोगों के पास है, जाहिर सी बात है। तो वही अपने आप को सेफ करने के लिए कह रहे हैं, गुरु जितना पैसा मिला लेकर कट लो, किनारे निकल लो, स्वाभाविक है, यही होता है मार्केट के गिरने की सबसे बड़ी वजह, लेकिन है ये सेंटिमेंट ही। अब ये स्थिति बनी कैसे, यहां तक जो सरकार पहुंची, सरकार ने देखिए मजे की बात किया इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इशू पे सरकार ने किस किस तरह के ब्लंडर किए हैं। पहले भी चर्चाएं होती रही कि आपने मनी बिल के नाम पे इसको पास कराया लोकसभा से, वहां से शुरू करते हुए अगर आप आगे पढ़े, और आपने चार चार एक्ट को खत्म किया, आईटी एक्ट को खत्म में मॉडिफिकेशन किया, अमेंडमेंट्स किए, कंपनीज एक्ट में मॉडिफिकेशन किए, एफसीआरए में मॉडिफिकेशन किए, आपने आरपी एक्ट में मॉडिफिकेशन किया, यानी चार मेजर एक्ट को आपको अमेंड करना पड़ा इस एक करतूत को अपने जिंदा रखने के लिए, खड़ा करने के लिए। इतना ही नहीं, आपने आरबीआई के कंसल्टेशन को, उसके सुझाव को नहीं माना, दूसरे तीसरे और तमाम लोगों के सुझाव को नहीं माना, फिर आपकी जिद थी नहीं साहब हमें तो ये करना ही करना है, ढोंग था कि हम राजनीतिक शुचिता लाने के लिए चुनावी चंदे की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि पारदर्शिता बढ़ेगी कैसे भैया, जब एक व्यक्ति आ करके आपको पैसा दे रहा है तो देने वाला क्या ये नहीं बता गया, बात सुप्रीम कोर्ट में हुई कि भाई साहब मैं आपको पैसा दे रहा हूं। अगली चीज जो होती है, जहां पर कि इलेक्शन कमीशन की भी बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, मैं उसकी तरफ भी आपका इशारा चाहता हूं, ऑडियंस का भी इशारा चाहता हूं। 22 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया था, जिसमें उसने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो आपके पास डाटा है वो हमको प्रोवाइड कराई। इलेक्शन कमीशन जो डाटा प्रोवाइड कराता है वो एक साल के ब्रैकेट कर जाता होता है, यानी एक साल के दौरान जो भी चुनावी चंदा आया है उसका वो डिस्क्रिप्शन देगा ना। उसी में इलेक्शन कमीशन ने अपने उस 2019 के अपने सबमिशन में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि साहब 105 राजनीतिक दल हैं, गौर कीजिएगा 105 राजनीतिक दल हैं जो कि ये चंदा पाने के हकदार हैं, और चंदा पाने का हकदार एक्ट ने किसको बनाया था, जिसके पास मिनिमम 1% ऑफ वोट शेयर हो। तो 105 पार्टियां उस कैटेगरी में आती हैं, लेकिन चंदा जब मिलने की बारी आती है तो कुल जमा 25 पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिलता है, और जो ये साढ़े पौने पांच साल का जो पीरियड है, जिस समय ये स्कीम जिंदा है, जिस समय इस स्कीम ने काम किया, उस जमाने में उस दौर में 30 फेजेस आते हैं, हर फेज 10 दिन का है कि साहब 10 दिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेचे जाएंगे, और 15 दिनों के अंदर यानी बेचे जाने की तारीख के 15 दिनों के अंदर उसका रिडेम्पशन होना है। जो डाटा निकल के आता है सामने वो ये बताता है कि भाई साहब भले ही सरकार ने देश में एसबीआई की 29 ब्रांचेस को 29 ब्रांचेस को ऑथराइज किया था, लेकिन उन 29 में से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को बेचने वाले ब्रांचेस है, जो बेचने में सफल हुए, जिन्होंने बेचा, उनकी संख्या कुल जमा 19 है, यानी 19 ब्रांचेस की ही सिर्फ बात है, और 19 ब्रांचेस का डाटा भी चलिए एक जगह पहुंच गया, एसबीआई को अपने पास रख ही नहीं सकते थे। तो ये जो इससे इंटरकनेक्शन है, और जो जिन्होंने भुलाया राजनीतिक दलों का भुनाना भी उनको इस बॉन्ड के लिए स्पेसिफिकली एक करंट अकाउंट खोलना जरूरी था कानूनन, जब ये कानून बना था इलेक्ट्रल बॉन्ड का, और जितने भी आप रिडीम कराएंगे बॉन्ड वो अपने उसी करंट अकाउंट में डालेंगे, फिर उस करंट अकाउंट से निकाल के आपको जहां जैसे जो खर्चा करना है कर लीजिए। कहने का मतलब इसमें यह है कि यह तमाम प्रक्रिया वो है जिसका कनेक्शन इलेक्शन कमीशन की भी उस समय में दी गई एफिडेविट से है, उसकी एक जानकारी से जो उसने सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट पर सबमिट किया था कि साहब 105 पार्टियां हैं, दिक्कत होगी टैली करने में वगैरह वगैरह। अब सबका डाटा है, सबका डाटा सामने लाओ, सिर्फ और सिर्फ एक बात डेलिबरेटली कंसील करने की कोशिश की जाएगी अभी भी, और वो ये है कि हर बॉन्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है, जिसे आसानी से यूवी लाइट से देखा जा सकता है, जिसको देखे बगैर एसबीआई रिडीम कर ही नहीं सकती बॉन्ड को,
और याद रखिएगा एसबीआई को सिर्फ और सिर्फ इसलिए अथराइज किया गया था ताकि सेक्रेसी को मेंटेन करना सस्टेन करना आसान हो, वरना कई बैंक्स किए जा सकते थे। और ये है क्या, ये बॉन्ड है क्या? जैसे मान लीजिए कि हम एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाए अगर बैंक में, कोई भी एक आम आदमी जाए, तो वो डिमांड ड्राफ्ट क्या है भाई? उस डिमांड ड्राफ्ट पर लिखा होगा कि इसको इनकैश कौन करा सकता है। मैंने राजीव जी के नाम एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया 1000 रुपए का, तो राजीव जी ही उसको इनकैश करा सकते हैं। अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट होगा तो राजीव जी के अकाउंट में ही जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने इन चीजों में क्या रिलैक्सेशन किया? वो ये कि आप जाइए बॉन्ड खरीदिए, राजीव जी को थमा दीजिए, राजीव जी ने अपने अकाउंट में डाला, करंट अकाउंट में डाला, और राजीव जी को किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं कि इसको मुकेश ने दिया है। यही है ना, इतनी तो कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियलिटी थी कहां? क्योंकि जिस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे हैं, भले ही दिया किसी और ने हो, अगर मैंने आपके आपको देने के लिए बॉन्ड खरीदा है और भले ही किसी और से पैसा लेकर के खरीदा, लेकिन केवाईसी मेरा है, मुझे इस बात को इंश्योर करना है कि मेरे पास उतना पैसा वाइट का है कि नहीं है, तभी मैं वह पैसा आपको, तभी वहां से मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड ले पाऊंगा, वरना ले नहीं सकता। मेरे पास करोड़ रुपए हो लेकिन ब्लैक के हो, मैं 1000 का नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे केवाईसी सर्टिफाई करना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में अब जो बात आती है कि साहब ये जो चुनाव की बात है कि साहब इलेक्शन कमीशन को जो है वो कल प्रधानमंत्री मीटिंग करना चाहते हैं। अगर कल प्रधानमंत्री मीटिंग करना चाहते हैं तो कल ही, मैं जस्टिस लोकुर की बात सुन रहा था, जस्टिस लोकुर मदन लोकुर ने कहा कि साहब ये लेट हो गया है, अगर चैलेंज किया गया है उस कानून की वैलिडिटी को जिसको कि लाया ही गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निगेट करने के लिए कि इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के केसेस को हाई प्रायोरिटी पर सुनना चाहिए। और जिस तरीके पिटीशन फाइल हुई है, अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कल इसमें सुन सकता है? नहीं सुन सकता, परसों सुनेगा यानी शुक्रवार को, आपने भी बताया। शुक्रवार को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और वो ये बताएगा कि साहब ये कानून जो संसद में बनाया गया, ये कानून सही है या नहीं है, यही तो डिसाइड करना है उसको, ये कानून सही है या नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कोर्ट के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप लेजिस्लेशन के द्वारा अल्टर नहीं कर सकते। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई आखिरी चीज है कि हो ही नहीं सकता, जनरली नहीं कर सकते। फिर भी सरकार ने करने की कोशिश की, वही करने की कोशिश की जो राजीव गांधी ने शाहवानों के मामले में किया था। यहां पर ये चीज इनको ये तय सुप्रीम कोर्ट के आपका जो आप जो इंटेंशन है, देखिए इंटेंशन कानून में कई चीजें देखी जाती है, इंटेंशन क्या था सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि साहब आपकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, किस व्यक्ति को आप इलेक्शन कमीशन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर दिया कि साहब आप सेक्रेटरी दूसरे को बना सकते हैं, तो उस वो प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को पूरा कैसे करेंगे आप? बड़ी अच्छी बात कही थी एसवाई कुरैशी ने, उन्होंने कहा साहब सरकार जो 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी एक पोस्ट को भरने के लिए, ये सब सरकार के ही ट्रस्टवर्दी लोग होंगे, मैं भी उसका बेनिफिशियरी रहा हूं कभी, वो अलग बात है। तो इन 5 लोगों में से किसी एक को चुनने के लिए अगर आप दूसरे को मौका दे देंगे तो क्या बुरी बात है भाई? इसमें क्या, इससे क्या उस पद की गरिमा नहीं बढ़ेगी कि नहीं साहब इसे लोगों ने यूनैनिमिटी से चुना है या दूसरे लोगों की भी इसमें रजामंदी और सहमति है, क्या बिगड़ जाएगा आपका? क्योंकि वो पावर जो 5 लोगों को इम्पैनल करना है एक पोस्ट के लिए, वो पावर कोई और सरकार से नहीं छीन ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं। तो जाहिर सी बात है भैया, एक की नहीं 5 लोग पसंद कर लो, पर वो नहीं, वो इंटेंशन नहीं था। और इसी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि साहब आपके इलेक्शन कमीशन के चुनने की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए, और इन्हीं के लिए, इसी अरुण गोयल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक दिन के अंदर आपने तय कर लिया कि ये आदमी मिल गया आपको, आज रिजाइन कर रहा है और कल आपने इसको, आज ये वीआरएस ले रहा और कल आप इसको जो है वो इलेक्शन कमीशनर बना रहे। अभी स्थिति क्या होगी? अब जब ये ढूंढ के लाएंगे तो किसको किसको, अभी इनको 10 लोगों को इम्पैनल करना है, गौर से 2 पोस्टें अगर इनको भरनी है तो इनको 10 लोगों को इम्पैनल करना है, और ये 10 लोग सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होना मस्ट है। केंद्र सरकार में अगर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर मान लीजिए 50 है, तो उसमें से इनको इस 10 लोगों को उस ढंग के चुनने हैं जो इनकी उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार हों, मिल जाएंगे। जिस जो समाज की स्थिति है इतना बुरा नहीं है कि इनको नहीं मिलेंगे लोग, मिल जाएंगे, लेकिन उस मिलने पे उन व्यक्तियों की इंटेग्रिटी पे कैसे सारी चीज, आईबी का तुरंत क्लेरिफिकेशन भी ले लोगे, उनके डॉजर्स पे वो सब करवा लोगे, और वो डॉजर्स ठीक है। जी 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 मुकेश जी, थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मसले जिसके बहुत, जी जी प्लीज, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम, समअप कर रहा हूँ इस चीज को कि सुप्रीम कोर्ट जब परसों इस मामले की सुनवाई करेगी तो वो एक बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि बहुत
बहुत नाजुक मोड़ पे होगा ये मामला, और उसका इंटर कनेक्शन है इस इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसका कनेक्शन है इस मोदी सरकार की साख से। गौर से आप जिस बात को समझना चाह रहे हैं कि इनके तर्कस का एक एक तीर खत्म हो रहा है क्या, बेजान हो रहा है क्या, वो यस, वो ये उसी मुहाने पे खड़े हैं। और इनकी ये स्थिति चारों खाने चित होने वाली, चुनाव जब आएगा जनता क्या करेगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये अपने ही बनाए हुए मकर जाल में बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजी, बिल्कुल, ये बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं मकर जाल में, अपने ही बुने हुए जाल में। और यहाँ अलग अलग मसलों को जरा आना चाहता हूँ जल्दी से, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। एक तरफ अभी बीजेपी की दूसरी लिस्ट आती है, शायद आप अगर आप देख चुके होंगे तो उस पर एक पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूँगा, और साथ साथ ये तमाम बातें जिनमें अलग अलग मुद्दों को यहाँ लाया जा रहा है, लेकिन क्या इन मुद्दों के दम पर इसमें बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? क्योंकि बहुत कुछ ऐसे हैं जिस पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आप हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मुख्यमंत्री से आज इस्तीफा ले लेते हैं, अभी अभी उनका नाम आता है करनाल से, वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो उनसे बिना इस्तीफा लिए हुए भी उनसे उनका चुनाव लड़वा उनसे कह सकते थे आपकी आप लड़ लो चुनाव, इस्तीफा क्यों दिलवाया, ये भी सवाल उठता है भाई। एक विधायक बिना इस्तीफा दिए भी सांसद का चुनाव लड़ सकता है, और एक सांसद बिना इस्तीफा दिए हुए विधायक का चुनाव लड़ सकता है। अभी आपने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वाया, तो आज खट्टर का इस्तीफा क्यों लिया? क्या ये वो गडमड वाली हालत है? दिन में तो ये खबर भी आ रही थी कि खट्टर को पंजाब का शायद राज्यपाल बनाया जा रहा है, खुद भी पंजाबी कम्युनिटी से है, उसका बेनिफिट मिले आने वाले चुनाव में। दूसरा राजीव जी क्या कुछ कहेंगे इस पे, डॉक्टर राकेश पाठक जी? जी राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की बेचैनी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अंदर से घबराहट है, और उसके पीछे वजह यह है कि वे जिन मुद्दों को जनता के बीच रखना चाहते हैं वे मुद्दे गर्मा नहीं रहे। आगे विस्तार में जाऊं, एक दो संशोधन, प्रशांत जी, जो 17 तारीख को समापन होना था राहुल गांधी की यात्रा का, वो 16 को हो रहा है, जयराम रमेश ने आज घोषणा की है 16 को हो रहा है। दूसरी एक बड़ी सूचना ये है कि सीएए को लेकर अमरीकी सरकार ने, अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, उसने कहा है कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि देश के आंतरिक विषय में अमरीका का व्हाइट हाउस इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है या वहां का विदेश मंत्रालय दे रहा है, ये भी नजर में रखना होगा हमें। अब आते हैं इन मुद्दों पर, आपने जैसा कहा कि उनके तर्कश में तीर खत्म हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक तीर और बाकी है उनके तर्कश में, वो है यूसीसी का, समान नागरिक संहिता का एक आखिरी तीर वे अपने तर्कश में से अगले 72 घंटे में निकाल सकते हैं, जब तक कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तारीखों की घोषणा हो, उससे पहले भी निकाल सकते हैं। जिस तरह का भोंपू मीडिया परसों सीएए को लेकर यह हेडलाइन बना रहा था कि देश भर में जश्न का माहौल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री ट्विटर पर लिख रहे थे जश्न का माहौल, वो उनके पास कौन सी दिव्य दृष्टि थी जिससे उन्हें जश्न दिखाई दे गया, हमें और आपको नहीं दिखाई दिया कि सीएए लागू होते ही देश में कोई जश्न बन रहा है। मध्य प्रदेश की सूची आपने मुझसे पूछा, उसका भी जिक्र करता चलूं, 5 सीटें बची थी जिनकी आज घोषणा हो गई है। 2 ऐसी सीटें थी, उज्जैन और इंदौर, जिसमें ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदलेगी। खासतौर से इंदौर को लेकर बड़ी रोचक बात है, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं पार्टी के, शायद अब भी हैं, विधायक और मंत्री हो गए, उन्होंने चंद दिन पहले कह दिया था, वे अभी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हार गए थे, कुल मिलाकर आज की सूची में कोई बीजेपी के लिए नई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर जरा पड़ोस में महाराष्ट्र में झांके तो आज ही उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम नितिन गडकरी को मंत्री बनाएंगे, वे बना पाए या न बना पाए, आज बीजेपी ने उनका नाम घोषित कर दिया है सूची में। कुल मिलाकर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, फिर लौटते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ, जिस तरह आज 2100 अंक के साथ जो शेयर बाजार टूटा है, आपने खुद बताया 13 लाख करोड़ कितने लाख करोड़ का भट्टा बैठ गया है आज, ऐसा लगता है कि जो कारोबारी जगत है, हिंदुस्तान का जो व्यापारी समूह है, उसको समझ में आने लगा है कि आने वाले दिन अच्छे दिन तो नहीं है। 15 तारीख को जिस दिन ये वेबसाइट पर ईसीआई की आएगा पूरा कच्चा चिट्ठा इलेक्टोरल बॉन्ड का, भले उसमें वो अभी सूत्र न बांधे जा सके,
वो धागा एक से दूसरे सिरे तक न पहुंच सके कि किसने बॉन्ड लिए थे, किसने उन्हें कैश कराया, इसके बावजूद बहुत सारे नाम सामने आ जाएंगे और इतना जरूर सामने आएगा कि कितनी शेल कंपनियां हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनके विदेशों से संबंध है, हो सकता है उसमें चीन से संबंधित लोग भी हों, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सबसे हिजगरा मुल्क है, हिजगरा जरा देशी शब्द है, अत्यंत प्रिय राष्ट्र है मोदी जी का चीन, वहां के लोग हों, अंडरवर्ल्ड के लोगों का पैसा हो सकता है, जो पैसा एक नंबर में दिखाकर कोई लेने गया होगा बॉन्ड, जैसा कि मुकेश भाई अभी कह रहे थे, लेकिन असली चेहरे कौन होंगे उन बॉन्ड को खरीदार खरीदने वालों के, वो कैसे पता लगेगा। मुझे बार बार ऐसा लगता, मैंने कल भी कहा था कि हमारा देश चंद्रकांता संतति के रहस्य लोक में पहुंच चुका है। कई ऐसे रहस्य होते हैं जो कभी खुलते नहीं है, जैसे पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, कहां से आया, कभी नहीं खुला। डीएसपी देवेंद्र सिंह क्या कह रहे थे उसका पता आज तक नहीं चला। हमारे गुजरात के समुद्र तटों पर हजारों करोड़ की ड्रग्स कौन बिलवा रहा है, उसका खरीदार कौन है, ये कभी पता नहीं लगता। ऐसे ही मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी कवायद के बावजूद इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूर्ण सत्य शायद देश के सामने कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन जितना भी अर्ध सत्य 15 तारीख को खुलकर आ जाएगा उतना भी मोदी शाह और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी हमें 15 तारीख तक और इंतजार करना चाहिए, और जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो मामला है, अब वो प्रधानमंत्री कल कर लेंगे तो परसों सुनवाई का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाएगा। और आपने ठीक कहा, वे अपने पसंद का तो वैसे भी बना सकते थे, मैं तो कह रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कमेटी में शामिल होता तब भी तो बना सकते थे, बहुमत तो 3-2 में से 2-1 का ही रहता, 3 में से 2-1 का, लेकिन वो जो शर्म होती है, जो लोक लज होती है लोकतंत्र की, वो सत्ता के पास नहीं है, उसको बलाए ताक रख दिया है। और हर दिन सुप्रीम कोर्ट से लग रहे सुप्रीम तमाचों के बावजूद अपने धत्कर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश आखिरी क्षण तक पार्टी कर रही है, करती रहेगी, और उस बौखलाहट में हरियाणा जैसे प्रयोग हो रहे हैं, इनके परिणाम कैसे निकलेंगे ये आने वाले दिनों में देखेंगे। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या कुछ कहेंगे आप परसों से लेके आज तक के घटनाक्रम पे, और उसमें सबसे बड़ी बात की इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लगातार चला आ रहा है, अभी 15 तारीख को भी आएगा, चर्चा उस पर भी होगी, और इलेक्शन कमीशन उसके इर्द गिर्द है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, उस पर भी सुनवाई, लेकिन हाँ उसमें ज़रूर लेट है, और ये याचिका भी पहले दायर होनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं और अब क्यों, और उसमें भी कल, जबकि एक बट ऑब्वियस है कि कल मिल जाएंगे हमको दो, देश को दो चुनाव आयुक्त तो मिल ही जाएंगे जिनकी ज़रूरत है, और परसों हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए जब इधर सुनवाई हो रही होगी। धन्यवाद राजीव जी। एक तो मुकेश ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की चिंगारी है वह गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। ये किसको गुलिस्ता कर रहे हैं मुझे इनसे समझना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि इलेक्शन कमीशन में आप सभी लोगों का ये कहना है कि कोई भी कमेटी हो वह 5 जो नाम छांट के सरकार लाएगी या 10 नाम लेके आएगी आपको उसी से चुनना है, ऐसा नहीं है। आप उन 5 नामों को 10 नामों को समिति रिजेक्ट कर सकती है, जो समिति सर्वोच्च न्यायालय ने गठित करने की बात कही थी। किसी समिति के पास ये नहीं है कि आप बाध्य उसी लिस्ट में लेने के लिए, समिति और सजेस्ट कर सकती है। और दूसरी चीज ये कि अगर चीफ जस्टिस उसमें होते, जिसकी बात मुख्य न्यायाधीश ने कही है जी, कि चीफ जस्टिस विपक्ष का नेता या सबसे बड़ी पार्टी का नेता और प्रधानमंत्री, अगर चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता किसी नाम पर सहमत नहीं है तो नाम कैसे चुन लिया जाएगा, कैसे उसका सिलेक्शन हो सकता है। एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था करने की कोशिश की थी सीजीआई ने, जिसमें ऐसे लोगों का चयन हो जिनके ऊपर कम से कम सरकार का नियंत्रण कम से कम हो या न हो। आज तो वही है, आज स्थिति क्या है विभिन्न राज्यों में, छोटा सा उदाहरण आप सोचिए कि विभिन्न राज्यों में डीजीपी पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है आपको। संघ लोक सेवा आयोग अगर स्वीकार करेगा तभी आप उस आदमी को डीजीपी रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से कार्यवाहक डीजीपी हैं,
क्योंकि सरकार नियुक्त नहीं कर पा रही है और जो सुझाव नाम देती है वो उनको असंघ लोक सेवा रिजेक्ट कर देता है। यह सही है कि डीजीपी का पद खाली नहीं, लेकिन कार्यवाहक है वो, और वह व्यक्ति जो कार्यवाहक डीजीपी होगा वह डीजीपी के सभी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, संभव नहीं है वो, जो अधिकार नहीं थे डीजीपी के पास। तो आप मनमाना नहीं है, अगर एक 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 संघ लोक सेवा आयोग के पास है तो संघ लोक सेवा आयोग आपके आपके द्वारा प्रस्तावित सभी नाम रिजेक्ट करता है और उत्तर प्रदेश के मामले में लगातार करता रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश में कोई नियमित डीजीपी नहीं है, अब भले हो जाए, क्योंकि जिसको जो व्यक्ति योग्यता के अनुसार सबसे ऊपर था उसको सरकार चाहती नहीं थी जी। और संघ लोक सेवा आयोग उसको सुनने के लिए नहीं तैयार था, तो आप बदल बदल करके आप कार्यवाहक डीजीपी बनाए और ये सभी राज्यों पर लागू होता। तो निर्वाचन आयोग में ठीक है, नाम तो ही सुझाए जाएंगे, नाम इससे सुझाए जाएंगे सरकार के द्वारा कि जो लोग यहां पे कार्य कर रहे हैं उसकी पूरा जो डोजियर है वो सरकार के पास है, किसी और के पास नहीं है। लेकिन उस डोजियर को लेकर के चयन समिति उस पूरे के पूरे नामों को रिजेक्ट कर सकती है। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, यही सीजीआई साहब जो आज हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी जी। और एक समिति बनती है जिसमें विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, और वह लोकायुक्त का चयन करती है। सरकार के मनपसंद व्यक्ति को उन्होंने लोकायुक्त नहीं बनने दिया था, इसी मुख्य न्यायाधीश ने जो आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और नाम बदलने पड़े थे, वो पूरे के पूरे प्रस्तावित नामों को खारिज कर दिया था विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने। सवाल ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये अगर अगर एक ऐसी समिति बनने की बात जो कर रही की जा रही है कि वो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो, कम से कम वो समिति जब रहेगी तो एक व्यक्ति वीआरएस व्यक्ति क्यों लेता है? वीआरएस नई नौकरी करने के लिए थोड़े है, तत्काल अभी करने के, आप आज आप वीआरएस लेते हैं कल आप निर्वाचन आयुक्त बन जाते हैं, इस तरह की स्थितियां नहीं पैदा हो सकती, संभव ही नहीं है। रही बात की जो पिटीशन है, पिटीशन के होने से सबसे बड़ा है कि आज हम पूरे देश भर में विमर्श है कि आखिर सरकार निर्वाचन किस तरह का निर्वाचन आयोग चाहती है, एक प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग, एक ऐसा निर्वाचन आयोग जो इस देश में पारदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदारी से निर्वाचन चुनाव को सुनिश्चित करे, एक ऐसा निर्वाचन आयोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उसी के स्पिरिट में एकदम पूरी तरह से उसको लागू करे, या एक ऐसा निर्वाचन आयोग जो सरकार की तरफ झुका हुआ हो। सवाल इस बात का है कि यह संविधान के मंशा के खिलाफ है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की थी, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उसी तरह बढ़ता हुआ एक कदम था, सरकार ने उसको पूरी तरह से पलट दिया। तो सरकार की मंशा एक प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग की है, और यह कम से कम इस पिटीशन पर मेरा भी यह मानना है कि जब संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है, जब तक वह कानून नहीं अवैध घोषित किया जाता, सरकार को आप उस कानून के तहत आयुक्तों के चयन से रोक नहीं सकते। मेरी अपनी एक 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 सामान्य समझ है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का कुछ भी निर्णय हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर शुक्रवार को इसको सूचीबद्ध किया गया है सुनवाई के लिए और कल अगर निर्वाचन आयुक्त का चयन कर लेता है तो सर्वोच्च न्यायालय मौन रह सकता है, खारिज कर सकता है, वो उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि सरकार ने निर्णय ले लिया फिर उनके हाथ पैर बंध गए कि साहब आप जाइए, हम तो आपकी पिटीशन सुनने के लिए कोई मतलब ही नहीं रह गया। और इस कानून को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में पहले से दी जा चुकी है, वह पिटीशन पहले से लंबित है कि यह जो कानून बनाया गया है वह कानून कितना संवैधानिक है, कितना मूल भावना के अनुरूप है और कितना वो कानून संबद्ध है, वो विचाराधीन है अभी। अब आप बात कीजिए इसकी जो ये उम्मीदवारों की सूची बीजेपी की तरफ से आई है, यह पार्टी कितने विवश है कि जो जीवन भर कभी चुनाव नहीं लड़ा पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है, महाराष्ट्र में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, हमेशा राज्यसभा के सदस्य रहे, उनको चुनाव में पार्टी को उतारना पड़ा। आज भी यह स्थिति क्या है कि आज चिराग पासवान ने
अपने एक्स पे लिखा है कि सीट के बंटवारे को लेकर के सहमति बन गई और एक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई बिहार में बीजेपी, इनकी दो लिस्टें आ गई और आप अपने आप को यह कोशिश कर रहे थे कि जितने लोग हैं वहां पे और आपने में इंडिया दल समूह को या महागठबंधन को आपने बिहार में कमजोर कर दिया, एक नाम नहीं दिया, इस दूसरी लिस्ट में भी किसी का नाम नहीं है। महाराष्ट्र में आप देखिए कि जितने लोग जो परिवर्तन की बात कही जा रही थी, परिवार की परिवारवाद की बात कही जा रही थी, कहां किया आपने? अर्जुन मुंडा वहां उसमें है कि नहीं है? किसको बदल दिया आपने? अरे मैं पंकजा मुंडा। सवाल ये सवाल इस बात का है कि यह लिस्ट भी बताती है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में अपनी दबाव की स्थिति में है। उसके सामने वह उस तरह का खुलापन नहीं है कि वह जिस तरह से 2014 या 2019 में उसने चुनावी जीत दर्ज की थी वह दोहरा पाएगी, यह लिस्ट बताता है आपका। मेरा अपना यह मानना है कि इस पूरी की पूरी जो विमर्श इस समय देश में चल रहा है, चाहे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का सवाल हो, चाहे बीजेपी के द्वारा ये जारी की गई सूची हो, और चाहे स्टेट बैंक आप कैसे कह सकते हैं कि जो स्टेट बैंक ने सूचनाएं दी हैं वह उससे यह रहस्य नहीं खुलेगा। सवाल यह है कि किसने लिया, कौन सा बांड किसने लिया, इस पर बहस हो सकती है कि मुकेश ने जो बांड खरीदा था वह बांड किसने कैश कराई, यह बात आपको पता नहीं चलेगी। लेकिन कितना किस पार्टी ने चंदा लिया ये तो पता चलेगा ही चलेगा। और आप देखिएगा जिस दिन यह बात आएगी, सवाल इस बात का है कि अगर 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 किसी एक कंपनी ने, मुकेश की कंपनी ने बांड लिया 10 करोड़ रुपए का, बांड लेने के बाद मुकेश को की कंपनी को 100 करोड़ रुपए का व्यापार मिल गया, तो किसको बांट दिया इन्होंने? या क्या रहस्य रह जाएगा क्या अभी? या केवल आप जिस बात की मिलान की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था कि उसकी मिलान की जरूरत नहीं है, ये केवल इस बात के लिए कि यह बांड जो 1 तारीख को लिया गया उसको कैश कब कराया गया, केवल इसका मिलान होना नहीं होना। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कौन कह रहा है आपसे मिलान कराने के लिए? आपको यह देना है कि कितने बांड खरीदे गए और आपको यह बताना है कि किस पार्टी को कितने रुपए मिले, जानना यही है सबको। हमको यह जानना है कि मुकेश सिंह के कंपनी ने कितने का बांड खरीदा था और उस बांड को खरीदने के बाद कितने अरब रुपए का इनको व्यापार मिला है। कहानी साफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो यह इस रहस्य नहीं रह जाएगा। हाँ, मैं केवल जानना चाहता हूं मुकेश से कि उन्होंने गुलिस्ता किसको कहा। जी सुनील जी, समझ तो आप भी हैं गुलिस्ता किसको कहा है। गुलिस्ता वही है जिसको ये कह रहे अच्छे दिन आएंगे, गुलिस्ता वही है जिसका जिसकी ये गारंटी दे रहे हैं 2047 में विकसित भारत बना रहे हैं। तो वो कोई पहली नहीं है और बड़ा सीधा सिंपल सा मुहावरा है, तंज करने के लिए कई बार हम लोग मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रवि। जंगल में आग लगती है मुकेश जी, केवल गुलिस्ता बर्बाद नहीं होता। सुनील जी कुछ कह रहे हैं, सुनील जी। जी सुनील, मैं ये कह रहा हूं कि जंगल में आग भी लगती है, गुलिस्ता ही बर्बाद नहीं होता। दोनों मुहावरे हैं। जी बिल्कुल, और बर्बाद है गुलिस्ता करने को, ये भी है। सवाल यही है गुलिस्ता कौन सा, मेरा सवाल यही है कि गुलिस्ता है क्या, कौन सा। जी प्रोफेसर रवि कांत जी, बहुत सीरियस नोट पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, बहुत गंभीर चर्चा, और इस चर्चा को आप सुन रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, फिर उसके बाद उनके साथ साथ SBI है, अब SEBI भी है उसमें, और इन सब के बीच CAA है, हरियाणा में अचानक सरकार आप अपनी गिरा करके दूसरी सरकार बनाते हैं अपनी ही, और लेकिन JJP से आप अलग हो जाते हैं, बहुत कुछ पिछले 2-4 दिनों में देखिए, इतनी सारी चीज़ें, और इन सब के बीच BJP अपनी दूसरी लिस्ट लाती है और उस लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम रहता है, ये भी है, पंकजा मुंडे का नाम भी है उसमें, जैसा सुनील जी कह रहे थे बीड से चुनाव लड़ रही हैं वो, और अनिल बलूनी जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं उनका नाम भी है, पत्रकार से राज्यसभा तक पहुंचे और राज्यसभा से अब लोकसभा की तरफ, तो ये सब कुछ है, बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। जरा आपसे समझना चाहता हूं पूरा का पूरा, और
बिहार में उधर देखिए तो एनडीए में घमासान है और महाराष्ट्र में भी घमासान है, लेकिन इस बीच ये दूसरी लिस्ट है क्योंकि चुनाव सामने है। इंडिया की चर्चा तो खूब हो रही है, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी लगातार अपनी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ईवीएम को लेकर पहली दफा ईवीएम पर, क्योंकि मणिपुर से लेकर यहां तक जब अब आखिरी पड़ाव में है, 16 तारीख को इनकी यात्रा खत्म हो रही है, पहले 17 को हो रही थी अब 16 को, जैसा हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बताया 16 को खत्म हो रही है यात्रा, यानी आज से 3 दिन बाद, तब ईवीएम की चर्चा भी सामने है। और दूसरी एक और बड़ी बात कि राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने आज किन किन पार्टियों की क्या क्या डिमांड है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाके। यहां से जरा चुनाव के नोट पे आना चाहते हैं हम, जो लोकसभा चुनाव है और उसमें दोनों पक्षों की स्थिति की चर्चा हम कर रहे हैं, जरा एक एक करके। पहले एनडीए या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अपने आप में एनडीए है, वहां और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, 2 बार के चुनाव में भी वही हाल हुआ है उनका, क्योंकि वो अच्छे से जीत के आए हैं, इसलिए भी क्या बीजेपी यहां मजबूत दिखाई देती है आज की तारीख में 2024? कई बार ये सवाल करता हूं आप सबसे, लेकिन एक बार फिर इसलिए क्योंकि मुद्दे रोज अलग अलग आ जा रहे हैं और उन मुद्दों के आधार पर अपने को चर्चा करनी पड़ती है। आज की चर्चा में इन तमाम मुद्दों को सामने रखें तब आप बताइए कि बीजेपी कहां और इंडिया कहां। शुक्रिया राजीव जी, आपने आखिरी में जहां जो सवाल पूछा तो मुझे अचानक वो निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा याद आ गई, और रामचरितमानस में भी सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, तमाम शक्तियां, और मोदी जी अकेले नहीं है, ईडी है, सीबीआई है, ये तो चल ही रहा है, चुनाव आयोग आपने देख लिया कि क्या कर रहा है, एसबीआई बहुत दिनों तक पता नहीं चला कि क्या कर रहा है, और सबको हंसी आ रही थी कि जो एसबीआई कह रही कि साहब हमको 4 महीना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक पड़ा तो दूसरे दिन दे दिया, वो पीडीएफ पहुंच गया। अगर आप नहीं करने की पोजीशन में थे तो 24 घंटे के भीतर आपने कैसे दे दिया? ये तो बेशर्मी है कि आप सरकार एक अपना वकील खड़ा करके वहां इस तरह के तर्क कर रहा है कि साहब एसबीआई अभी वो हैंड रिटन है। मतलब इस दौर में राजीव गांधी ने इसीलिए क्या लेकर के आए थे वो कंप्यूटर और वहां से यहां तक जो दुनिया पहुंची है इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि आप 2 घंटे में 3 घंटे में चाहे वो सारा डेटा निकाल करके दे सकते हो, और वही हुआ। तो खैर अब उसकी भी पोल खुल गई जितना। दूसरा, मोदी जी 370 पार, और वो आप ठीक कह रहे थे कि एनडीए ही बीजेपी है, मैं थोड़ा और उसमें चला जाऊं अंदर, और मोदी जी ही बीजेपी है, वहां कोई दूसरा नहीं है, थोड़ा बहुत जो छाया है वो अमित शाह है, इसके अलावा और वहां कोई नहीं। तो हालात ये है कि जमीन तो खिसकी हुई है, अगर 370 ही पार आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, जो अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि साहब इसलिए हमको 370 चाहिए, तो फिर एनडीए काहे बना रहे हैं? चिराग जो अपने आप को हनुमान कहते थे मोदी जी का, वो डराए धमकाए और फिर बीजेपी ने समझौता किया उनसे। तो असल में लाले तो पड़े हुए हैं 270 के, और आप कहे जा रहे हैं 370, ताकि आप लोगों की आंखों में धूल झोंक सकें। मीडिया क्या कर रहा है वो तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा अंकुश न लगाए तो कहीं 570 पार ना कर दे, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, तो बचे ही नहीं कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 10 सालों में लोगों ने समझ लिया है। अब आप मीडिया की बात करेंगे राजीव जी तो लोग हंसते हैं, लोगों ने अपने टेलीविजन को कपड़े में बांध करके रख दिए हैं। वो जरूर जो बेहद कमजोर लोग हैं वो थोड़ा एंटरटेन के लिए देख रहे हैं, और मोदी जी का सारा जोर वही है, बेचारे इतना चेतना संपन्न है नहीं, इतना विवेक है नहीं, तो वहां आप कुछ भी कहलवाइए। लेकिन इन 10 सालों में जो हुआ है कि देश तो अंदर से खोखला हुआ, मोदी जी की मेहरबानी से बीजेपी भी अंदर से खोखली हो गई,
क्योंकि वहां किसी को टिकने का सवाल ही नहीं है। ये दो दो चार नाम आपने बताए, वरना लोग तो समझ रहे थे कि गडकरी जी का भी पत्ता साफ होने वाला है। हालात ये है कि एक एक सीट पर मोदी जी लगे हुए हैं किसी तरीके से, विरोधी ही सही है, हमने 10 साल तक सताया हो, लेकिन अगर वो जीत सकता है तो साहब टिकट दे दीजिए। तो गडकरी को भी मिल जाएगा, राजनाथ सिंह को भी मिल गया, पंकजा मुंडे को भी मिल गया, खट्टर साहब को भी उतार करके कुर्सी से अब यहां लेकर के आए हैं, लेकिन कोई दूसरा नहीं रह सकता। इस समय सुनने में आ रहा है कि लखनऊ में योगी जी नर्वस हैं कि हमारी छुट्टी कभी ना हो जाए, कुछ पता ही नहीं है, चुनाव के बाद तो लग ही रही है, कहीं उसके पहले ना हो जाए, इसको लेकर के भी चिंतित हैं जी। तो बीजेपी को भी अंदर से उन्होंने बिल्कुल खोखला कर दिया है। वहां वही जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम दो हमारे दो का खेल चल रहा है। स्थितियां जो हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ खड़ी हुई है, मिडिल क्लास से लेकर के और गरीब आदमी तक, नौजवान खास करके, वो एक तरह से आंदोलन धर्मी बना हुआ है। किसान चारों तरफ बैठे ही हुए हैं दिल्ली के, महिलाओं मणिपुर का हाल देख लीजिए, एक खिलाड़ी जीतने के बाद मेडल क्या कहता है कि मोदी जी मणिपुर जरा एक बार देख लीजिए। लेकिन मोदी जी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आपने कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है बर्बादे गुलिस्ता करने को, तो यहां बस अंदर से जो खोखला हो रहा है देश, और शब्दबाग दिखाया जा रहा है 2047 में साहब देश विकसित बनने जा रहा है, और यहां उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 47 के लिए हमें एक नया संविधान चाहिए। मैं ये पूछता हूं उन करोड़ों दलितों से, अति पिछड़ों से, पिछड़ों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, जिन्हें भारत के संविधान ने इंसान होने का अधिकार दिया, क्या वो संविधान को खत्म करने के लिए वोट बीजेपी को करेंगे? जहां डंके की चोट पर अनंत कुमार हेगड़े ये बात कह रहा है, और मैं कोई सम्मान नहीं करना चाहता उस व्यक्ति का, कि साहब संविधान हम खत्म करने के लिए, संविधान बदलने के लिए 370 पार करना चाहते हैं, तो क्या इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं, जिन्हें सदियों सामाजिक आजादी मिली, समता का अधिकार मिला, अवसर प्राप्त हुए, गरिमा उनको मिली, क्या वो इसके लिए बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं जी। जो मोदी जी समझते हैं, हालत यह है कि चूल्हे हिली हुई हैं, तो अब आप वहां नायब सिंह सैनी को लेकर के आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कार्ड खेला है ओबीसी वाला, अब वो उसमें आपको बचाने के अलावा और कुछ बचा नहीं। तो यहां ओबीसी एक सीएम दे देंगे, लेकिन उसके पास अधिकार है क्या? वो कोई फैसला ले सकता है क्या? ऐसे तो सचिव भी तीन बैठे हुए हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि बेहद कमजोर मंत्रालय है, और वहां पे भी अगर वो कुछ फैसला लेते हैं तो फिर दूसरी चाबुक है। तो आप केवल मुखौटे लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अधिकार नहीं देना चाहते हैं। ये लड़ाई जो समूची है वो अधिकारों की है, जिस संविधान के जरिए मिली है, और आप उस संविधान को खत्म करने की मुनादी कर रहे हैं। तो ये चुनाव बेहद आमूलचूल परिवर्तन का होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें संविधान चाहिए अपने अधिकार बचाने के लिए, और एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें फिर से ओबीसी को शूद्र बनाना है, मनुस्मृति के आधार पर उन्हें देश चलाना है। ये संविधान वो चाहते हैं, और ये कोई मैं अनुमान से नहीं कह रहा हूं, 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि भारत का संविधान हमें इसलिए अस्वीकार है क्योंकि उसमें मनुस्मृति की संहिताएं नहीं है। जी। चार दशक से ज्यादा जिन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया, राष्ट्रगान को लेकर के जो ये कहते थे, लोगों भ्रम फैलाते थे कि इसमें इंग्लैंड के राजा की स्तुति की गई है, तो न तो आपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाया, न राष्ट्रध्वज के प्रति दिखाया, न संविधान के प्रति दिखाया, और जो ढोंग करते हैं राष्ट्रवादी होने का, इसको क्या देश नहीं देख रहा? और मुझे लगता है कि यही वो तमाम परिस्थितियां हैं जिसमें मोदी जी को लाले पड़े हैं, इसीलिए गडकरी भी, इसीलिए राजनाथ सिंह भी, और सारे भी आ जाएंगे। इन स्थितियों में
चुनाव आयोग क्या बचा पाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या बचा पाएंगे, मीडिया बचा पाएगा क्या, ये बुनियादी सवाल है। और ईवीएम का भी सवाल अगर आज राहुल गांधी ने उठाया है तो क्यों नहीं वीवीपैट की गिनती करता है चुनाव आयोग, इसको ऐलान करना चाहिए, ये तो मुझे लगता है उसकी मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल। तो राजीव जी, ये चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। भारतीयता के सामने वो जो संकट है, संविधान के सामने जो संकट है, उसकी असली लड़ाई और जनता लड़ रही है। राहुल गांधी मुद्दों को उठा रहे हैं और लोग उससे बेहद संवेदनशीलता के साथ आकर्षित भी हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। एक नेता की सबसे बड़ी जो जन नेता हो उसका उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो जनता को शिक्षित भी करता है, वो अफीम चटा करके वो उन्हें कुंद नहीं करता, वो कांवड़ियों पर फूल नहीं बरसाता, बल्कि उनसे संवाद करता है। बुंदेलखंड की एक महिला को जिसे चप्पल नहीं पहनने दिया जाता है सामंतवादियों के द्वारा, राहुल गांधी अपने हाथ से चप्पल पहना रहे हैं उसको। इसको कहते हैं लीडर होना, नेता होना। और ये हम देख रहे हैं, ये हम समझते हैं कि हमारे समय का ये जो सच है वो बहुत बुरा भी है और दूसरी तरफ बहुत अच्छा भी है, तो दोनों ही परिस्थितियां हैं। अब इससे हम लोग दो चार हैं। शुक्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, राहुल गांधी का भी नाम ले रहे थे और बुंदेलखंड की महिला को चप्पल पहना रहे हैं राहुल गांधी, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा पार्ट वन हो, दोनों में हम लोगों ने देखी हैं। और अब अलग अलग गारंटियां, न्याय की गारंटी, चाहे युवा न्याय की, युवा शक्ति के लिए, चाहे आदिवासियों के लिए, आज महिला न्याय की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपये महीने का छोटा माफी चाहूँगा सालाना 1 लाख रुपये महालक्ष्मी योजना के तहत सालाना, इसको कैसे देखा जाए? अभी अभी छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने महतारी योजना, बंधन योजना शुरू की है प्रधानमंत्री के जरिए, हमने देखा 1200 रुपये शायद दे रहे हैं ये महीने का, लेकिन यहाँ 1 लाख रुपये साल का देना, यानी कहीं ना कहीं आप लगभग 8-9 हज़ार रुपये महीने का दे रहे हैं महिला को, घर की एक महिला को, छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसे चाहे वो आदिवासियों का हो, युवाओं का हो, किसानों के लिए हो, किसानों के लिए भी MSP की गारंटी की बात, ये जो घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं का असर आप देखते हैं, पड़ता है क्या? क्या आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी इन घोषणाओं के साथ इस न्याय यात्रा के दौरान घोषणाएं कर रही है, इसका असर जन जन तक पड़ता हुआ? क्योंकि आप काफ़ी घूमते हैं और उस एरिया में, इसलिए भी समझना चाहूँगा कि आदिवासी बहुल एरिया है, दलित बहुल एरिया है, उस एरिया में आप घूम रहे हैं, क्या इसकी हलचल है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? और अभी अभी तो आप गुजरात से लौट के आए हैं, गुजरात में भी जरा बताइए उधर कोई हलचल है इस यात्रा की, क्योंकि राहुल गांधी उस गुजरात से आगे बढ़े हैं। जी राजीव जी, देखिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ राहुल गांधी के मामले से। बहुत सारी चीजें जो है कांग्रेस कभी ठीक ठाक उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है और उसको ठीक से वोट के इसमें बदल नहीं पा रही। यही एक अगर हम केस लें कि जो छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना जो शुरू हुई, वो आपको याद होगा कि वोटिंग के मुश्किल से 6 या 7 दिन पहले उसका अचानक ऐलान किया गया और 2 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 52 लाख एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने वसूल, मतलब लोगों से भरवा भी ले महिलाओं से, और वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसमें हुआ है कि हर महीने 1000 रुपये और बाकी साल में जो है 12000 रुपये महिलाओं को मिलेगी उसे। लेकिन उसके कारण उस महिलाओं ने जो 52 लाख लोगों ने जो फॉर्म भरे, अब उनमें से कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, कितने लोगों ने नहीं दिए, वो एक बात की बात है, लेकिन उसको तुरंत भुना लिया गया। हालांकि उसके बारे में कंप्लेंट भी की गई कि आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी ओर उसी छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस का ये कहना था कि जो हम जितने भी किसान हैं उनको हम कर्ज माफ करेंगे, वो अपील जो है वो भी बेअसर हो गई। MSP जो धान का है वो उन्होंने कहा था कि हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल देंगे, वो भी बेअसर हो गया और लोगों ने किसको चुना, उन्होंने 3100 रुपये प्रति क्विंटल वाले जो भारतीय जनता पार्टी को चुना। दूसरी तरफ इन्हीं मुद्दों को जिस प्रकार से ऐसी जो वादे और गारंटियां होती हैं उसको देखिए कर्नाटक और तेलंगाना में बहुत अच्छे से भुना लिया गया, तो इसको जो है केस स्टडी के रूप में लेना चाहिए। आपने इतने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, 1 लाख रुपये जो है हर साल मिलना इतनी बड़ी बात है, जबकि
1000 रुपए आज की महंगाई में कितने कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है ये आप और हमें पता है, लेकिन उसको इस प्रकार से उसको पब्लिसाइज किया गया। और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सारे अखबारों में मोदी की गारंटियों की पूरी सीरीज चल रही है, सब अखबारों में उसके बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। उसको साइंस कॉलेज में लगातार 2 दिन उस मंच को निकाला ही नहीं गया, आज के दिन एक कार्यक्रम, दूसरे दिन दूसरा कार्यक्रम, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव वो तक उससे जुड़ गए उस कार्यक्रम से। तो आपको अगर इन वादों को, इन गारंटियों को ठीक से भुनाना नहीं आएगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे आप देखिए नंदुरबार में उन्होंने जो सभा की, बहुत कम लोगों को पता है कि नंदुरबार जो है वो गांधी परिवार की सबसे प्रिय कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारत का पहला जो आधार कार्ड रिलीज हुआ था वो नंदुरबार में ही हुआ था, और वहां पर रंजना नाम की टेमली गांव की महिला है, उसको भारत का पहला जो है वो कार्ड दिया गया था सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों 2010 में। नंदुरबार से ही हर चुनावी सभा की शुरुआत जो है इंदिरा गांधी जो है वहीं से करती थी, और 1997-98 में जब सोनिया गांधी पहली बार राजनीति में आई तो उनकी सबसे पहली सभा जिसको कवर करने का मुझे अवसर भी मिला था वो भी नंदुरबार में हुआ था। सवाल ये है कि आप आदिवासियों के लिए इतना कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा। और न केवल अभी तो आपके पास केवल आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा इंडिया गठबंधन है, तो आप इसको ट्रांसलेट कब करेंगे? ये अगर आप करने में चूक गए तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घोषणा है। सही मामले में आप कहें तो 5 जो गारंटियां दी है महिलाओं को, महिलाएं अब इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे देश में महिलाएं और किसान ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। महिला और किसान जो है यही लोग हैं सत्ताओं को पलट रहे हैं और नई सरकारें ला रहे हैं। आप अभी पिछले जो 3 लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी आप देखिए यही लोग जो थे उन लोग इंस्ट्रूमेंटल थे, की फैक्टर्स यही थे, लेकिन आपको इस चीज को जो है वो लाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं केवल निर्वाचन आयोग के बारे में आना चाहता था राजीव जी। निर्वाचन आयोग से ठीक है कि कल हो सकता है 2 आयुक्त जो है आनंद में जो है वो नियुक्त कर दिए जाए, इसके बाद भी ये जो याचिका जो दाखिल हुई है उसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि जो संशोधन किया गया है पिछले साल 2023 में जो नया अधिनियम लाया गया सीसी का, उसमें 2-3 और जो क्लास है वो भी बहुत ही उस पर विचार करने लायक है और शायद सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा। पहली बात तो उसमें यह है कि चुनाव आयुक्त के फैसलों को उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो सकती और उनको किसी कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, ये भी उसका एक प्रावधान है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल किन लोगों को चुनना है, किन लोगों को आयुक्त बनाना है, केवल इतने पर ही उस पर विचार नहीं होगा, उसके और बहुत सारे क्लॉज हैं वो भी बड़े भयानक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने आयुक्तों को बिना कोई कारण बताए हटा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सरकार अपने एक साथी निरंकुश ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर रही है, संस्था को तैयार कर रही है, इस नए अधिनियम के कारण जो चुनाव आयोग है वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसके खिलाफ आप कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा देखिए एक और परिवर्तन किया गया है, उसमें चुनाव आयुक्तों की जो वेतन है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर है, लेकिन उनके भत्ते और उनकी सुविधाएं को जो है जजों से बढ़ा दिया गया है, ताकि आप जज जो है वो आयुक्त के बारे में कोई मामला जब सुने तो उनके ऊपर एक मानसिक दबाव हो कि ये हमसे तो ज्यादा कमा रहे हैं, और उनके जो भत्ते हैं वो कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से वो करेगा। इसको इतने बहुत सीमित रूप से नहीं लेना चाहिए कि केवल 2 लोगों को आपने किस प्रकार से आयुक्त बनाना, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे नामों का चयन होगा, इतने भर से वो जो चुनाव है जो नया जो कानून है वो अधिनियम केवल इतने तक सीमित नहीं है। अंतिम बात में केवल आज जो शेयर बाजार जो गिरा है उसके बारे में ये मैं कहना चाहता था कि देखिए पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से हम राजनीतिक खबरों में देखते हैं किस प्रकार से गोदी मीडिया डेवलप हुआ है, वही गोदी मीडिया का जो एक विंग है वो कमर्शियल रिपोर्टिंग और कमर्शियल जर्नलिज्म भी कर रहा है। आज आप सारी जगह निकाल के देख लीजिए कि आज सेंसेक्स के गिरने का कारण क्या है, 900 पॉइंट गिरा है, इसमें अदानी एयरपोर्ट्स का भी शेयर गिरा है, अदानी एंटरप्राइजेस का भी गिरा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी गिरा है, लेकिन उसका कहीं भी कारण नहीं बताया जा रहा है। सेंसेक्स जो है इसकी रिपोर्टिंग आजकल इस ढंग से होती है कि जब उसमें उछाल आता है और वो उछाल अगर किसी शासकीय कदम के कारण होता है, जैसे बजट के बाद आप अक्सर देखिए कि हर केंद्रीय बजट के बाद ये खबर आएगी कि सेंसेक्स में भारी उछाल और शेयर बाजार में उत्साह का वातावरण ये सब आएगा, लेकिन जब गिरता है
और सरकारी कदमों से गिरता है तो उसका कभी भी उल्लेख नहीं होता। मुझे याद है जब जिस समय नई नई जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भारत में खुल रही थी, और मुझे वो दिन याद है 1990 से लेकर कम से कम 10 सालों तक माहौल ये था कि हर रिपोर्टर के पास, हर पत्रकार के पास शाम के खाने के लिए कम से कम 4-5 होटल्स के उसके पास, रेस्टोरेंट्स के उसके पास ऑप्शंस हुआ करते थे। वो सोचता था कि आज मुझे मैं बंबई में था क्योंकि आर्थिक राजधानी है तो वहां तो तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और वहां पर ये उनके पास ऑप्शन होता था कि आज हमको ताजमहल में खाना खाना है या आज ओबेराय में खाना है या कौन से होटल में खाना या लीला पेंटा में खाना। इतने उसके पास शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलग अलग कंपनियों के उसके पास इन्विटेशन होते थे। लेकिन उसी समय एक विदेश के एक अखबार में बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग ये छपी थी कि भारत में जितनी भी कमर्शियल रिपोर्टिंग होती है उसमें सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं लेकिन छपता वही है जो कंपनियां जो है वो प्रेस नोट बना के देती है जो उतना ही छपता है। तो आज फिर वही समय आ गया राजीव जी कि आपको सरकारी काम से कारण से अगर शेयर बाजार डूबता है गिरता है तो उसका कोई कारण नहीं बताया जाएगा। मैं यहीं पे आपको सबको चुनौती देता हूं कि आज आप सारी रिपोर्टिंग देखिए 90,000 करोड़ रुपए डूब गया अदानी के, डूब गया जी जी वही मैं बता रहा हूं कि लेकिन इसका कारण जी, तो इसका कारण सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो चुनावी बॉन्ड्स हैं वही इसका कारण है। लेकिन इसको कोई भी पत्रकार जो है इसको नहीं सामने ला रहा है, उसका यही कारण है। तो इसलिए लोगों को समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे शेयर मार्केट जो गिरा है और लगभग 13-14 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं तो उसका सीधा सीधा संबंध जो है सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले से है जिसका उल्लेख हम कल से कर रहे हैं और इसका 2-3 दिनों तक और असर रहेगा। तो ये मेरा कहना था कि इसको समझ जाना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है संकट में घिर रही है। राजीव जी 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 संकट जो है बहुत गंभीर है और उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, चर्चा भी बहुत गंभीर है हम लोगों के बीच कर रहे हैं। मुकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी मुकेश जी एक मिनट, शेयर बाजार, शेयर बाजार वाली बात में एक मिनट में, आधे मिनट में एक बात बता दूं आपको कि सेबी चीफ ने रिसेंटली ये कहा कि साहब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं मिडिल कैप की और स्मॉल कैप की जिनमें गड़बड़ियां हैं, हेरा फेरी की हमें संकेत मिल रहे हैं और निवेशक कृपया सतर्क रहें। और वही सतर्कता जो है वो हमें 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट डैमेज के रूप में दिख रही, बस यही जोड़ना था। बस ये एक सेंटेंस और इसमें 13-14 लाख करोड़ रुपए स्वाहा और इसमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ी मिल गई तो उस दिन कितना स्वाहा होगा इसकी उम्मीद आप लगा सकते हैं। अंदेशा जो है उसी दिशा में है। लेकिन अंबानी अदानी साहब, गौतम अदानी साहब कह रहे हैं, उनकी बात भी रख देता हूं इस लॉस के बाद, व्यापार एक मानसिक लड़ाई है। देखिए फिलॉसफर साहब हैं, व्यापारी भी हैं फिलॉसफर भी हैं। व्यापार एक मानसिक लड़ाई है, बाजार के साथ भी और स्वयं के साथ भी। प्रत्येक हानि एक सबक सिखाती है, प्रत्येक लाभ ज्ञान प्रदान करता है, ये मंत्र हमेशा मेरे साथ रहता है। कहना ही क्या, चलिए खैर आगे बढ़ें। और अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास भी आऊं, ये जो ज्ञान है इनको जो मिला है गौतम अदानी साहब को 90,000 करोड़ रुपए डूब जाने के बाद, लेकिन कितने हज़ार करोड़ रुपए हवा में बन गए ये तो सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये फिलॉसफी वहाँ से आ रही है कि कल को जब 15 तारीख को जब वहाँ स्क्रीन पे बड़े बड़े अक्षर में स्वर्णाक्षर में नाम आएंगे या उस दिन न भी आए बाद में आएंगे कि कितने पैसे दिए। राहुल गांधी तो नंबर वन पे रखते हैं अदानी को, ऐसे भी देश 3 लोग चलाते हैं जिसमें नंबर वन पे राहुल अदानी हैं, नंबर 2 पे मोदी हैं और नंबर 3 पे अमित शाह हैं। तो नंबर वन वाले जो हैं उनकी पोल पट्टी जो है वो खुलेगी, उसकी तैयारी है ये सब जो ज्ञान अर्जन है। राजीव जी ज्ञान बहुत सी बातों से आता है, जैसा कि उन्होंने बताया है कि उनको ज्ञान आता है नुकसान होता है, तो मुझे लगता है कि उनको ज्ञान पहले आ जाने चाहिए थे, बहुत ज्ञान आ जाने चाहिए थे ताकि देश को इतने ज़्यादा ज्ञान ना लेने पड़ते। जो 13 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है वो तो जाहिर सी बात है कि निवेशकों का भी नुकसान है और निवेशकों में भारत के ही अधिकांश होंगे, बाहर के लोग कम होंगे। तो ये जो नुकसान हुआ है तो ये ज्ञान जो है जो उनको प्राप्त हुआ है वो कम से कम दूसरों को ज्ञान प्राप्त ना होता तो ये बताना चाहिए था उनको, पहले ये ज्ञान आना चाहिए था। लेकिन वो ज्ञान पहले आता कैसे, क्योंकि जब सत्ता का आपको बलदस्त प्राप्त होता है तो ज्ञान ही फिर अभी को उसी तरीके से जो है वो चीज़ें आती हैं जो बताया है आपने अडानी जी ने। कुल मिला के राजीव जी मसला ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जिस तरीके से नाम सामने आएंगे
उन इलेक्टोरल बॉन्ड से अडानी साहब का नाम खुले या ना खुले, लेकिन ये नाम निश्चित तौर पर खुल जाएंगे कि वो पैसा किन लोगों ने लिया, मतलब किन लोगों ने बॉन्ड खरीदे थे और उन लोगों के किस किस से क्या क्या रिश्ते हैं, उनको क्या क्या फायदे हुए हैं और किस तरीके से वे जाकर के उनको फायदे हुए हैं और उसमें सरकार की भूमिका क्या है या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है। ये खुलते ही देश के अंदर एक बड़ा तूफान आएगा, उस तूफान की आहट जो है निश्चित तौर पे पोरबंदर पे जाकर के जो बन गया है बंदरगाह, मुझे लगता है कि ज्वार भाटा वहां से बहुत तेजी से उठेगा और ये भयंकर तूफान जो है। कल उसी बंदरगाह पे 5 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और ड्रग्स के साथ करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़ाए हैं उसी पोरबंदर बंदरगाह पे। जी राजीव जी, और वो 30,000 करोड़ का जो पहले पकड़ा गया था बताया था वो भी उसी बंदरगाह का बताया जाता है और बताया जाता है कि वो कसाब जो आया था वो भी उसी रास्ते से आया था। तो ये सारे जो है उसी रास्ते से जो आ रहे हैं, तो उस रास्ते से जो तूफान भाटा आएगा उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये सारे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब देखना ये राजीव जी कि इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो या तो हिमालय की कंदराओं पर जाता है या फिर जाकर के विदेश में कोई आइसलैंड खरीद लेता है। तो वो विदेश में किसी आइसलैंड पे जाने की तैयारी है या फकीर के झोला उठाने की तैयारी है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित तौर पर राजीव जी की 15 तारीख जो है वो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए या कहिए कि इस पूरे देश की चुनावी राजनीति के लिए एक बड़ा लैंडमार्क शायद बन सकती है। 15 तारीख को बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, धूमकेतु जो है बहुत तेजी के साथ एक दूसरे से टकराएंगे, ऐसी बहुत सी घटनाएं जो खगोलीय घटनाएं हो सकती है जिनका असर इस देश की राजनीति पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा फिलहाल जो है ऐसे भी आप पंडित जी हैं क्योंकि आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं हो सकता है सही हो। आजकल ऐसे भी भविष्यवक्ता बहुत बैठने लगे हैं टेलीविजन चैनलों पे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, चलिए थोड़ा मजाकिया नोट पे मैं इस बात को खत्म कर रहा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ होने वाला है और जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। और एक और भी बहुत कुछ हो गया है इधर दिल्ली में, प्रशांत जी, दिल्ली में 7 में से 6 कैंडिडेट बदल दिए, एक कैंडिडेट मनोज तिवारी को रखा, क्यों रखा गया होगा? 7 में से 6 कैंडिडेट आज 7 के 7 पूरे हो गए और देखिए एक भी रिपीट नहीं है, सिर्फ मनोज तिवारी रिपीट हैं, आखिर क्या मजबूरी रही होगी बीजेपी की? मनोज तिवारी यहाँ पे जिस जो उनकी सीट है वहाँ पूर्वांचल के लोग बहुत है, क्योंकि अभी भी वो पूर्वांचल के लोगों में एक कलाकार की हैसियत से उनकी लोकप्रियता है, तो शायद ये कारण रहा होगा। बाकी उनको बदलने पड़े हैं और बदलने का कारण बहुत साफ है। बदलने का कारण राजीव जी वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है और समझौता है, तो अगर आप उन दोनों का वोट शेयर जोड़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है माजरा क्या है। और बड़े जो इनके मीनाक्षी लेखी जैसे मिनिस्टर थी उनको ड्रॉप कर दिया, क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर उनको ड्रॉप कर दिया, हमारे कंस्टिट्यूंसी के थे हर्षवर्धन चले गए, तो सन्यासी ले गए। तो ये दूसरा राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे इतने बड़े नेता रमेश भिंडूड़ी के बारे में कल मैंने कहा राजीव जी कि रमेश भिंडूड़ी का को ड्रॉप करने का मतलब यही है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड ग्राउंड पे नहीं चल रहा है। अगर वो ग्राउंड पे चल रहा होता तो रमेश भिंडूड़ी ड्रॉप नहीं होते, ना ही साध्वी प्रज्ञा ड्रॉप होती। वो ग्राउंड पे उस तरीके से रेजोनेट नहीं कर रहा है, इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। एक बात, दूसरी बात राजीव जी जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे बाकी साथी बात कर रहे हैं, देखिए अगले कुछ दिनों में हम लोग एक ऐतिहासिक घटना होते हुए देखेंगे, भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला। लेकिन उसके लिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ राजीव जी, उसके लिए हम लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों पे और भारत के नागरिकों पे डाल दी है, और जिसकी चर्चा अभी मुकेश जी और डॉक्टर साहब कर रहे थे, डॉक्टर राकेश जी। लेकिन देखिए हम हर बॉन्ड में 30 राउंड में बॉन्ड इशू किए गए, हम लोगों को अब इस बॉन्ड की एक एक प्रक्रिया से अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये मामला क्या है। एक तो हर बॉन्ड में यूनिक नंबर है
और उस यूनिक नंबर को कैसे देखा जा सकता है, वो अल्ट्रा वायलेट टॉर्च से देखिए, ये देखिए, ये यूनिक नंबर है जिसमें गोला बना हुआ है लाल रंग से, अल्ट्रा वायलेट टॉर्च जब उस पर डालेंगे तब वो यूनिक नंबर दिखाई देगा। ये यूनिक नंबर ही पेच है, ये हर बॉन्ड का एक यूनिक नंबर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया कि आप है डेटा दे दीजिए, तो डेटा सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया स्टेट बैंक ने, उसने दो सेट में डेटा दिया है, एक बॉन्ड को खरीदने वाले उनका केवाईसी और दूसरा बॉन्ड को भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियां, दो अलग अलग सेट है। अब इन दो अलग अलग सेट में हर एक बॉन्ड में एक यूनिक नंबर है जो अल्ट्रा वायलेट में दिख रहा है वहां पे स्क्रीन पे। अब जिम्मेदारी ये डाल दी है पत्रकारों पे सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इस अल्ट्रा वायलेट से दिखने वाले नंबर की मिलान करें कि ये कब खरीदा गया, इस नंबर के बॉन्ड ने किस पार्टी को इनकैश किया, उस बॉन्ड को खरीदने वाली बेनामी कंपनी या वो व्यक्ति इंडिविजुअल कौन है, उसके क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, वो कब भुनाया गया, 30 राउंड में यानी 10 दिन की विंडो में वो बॉन्ड किसने भुनाया, ये सारी ये बहुत रॉ डेटा होगा। इसलिए मतलब मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि 15 तारीख को जब डेटा आएगा राजीव जी, तो तुरंत नहीं मालूम हो जाएगा कि इसने लिया और इस पार्टी ने इसको भुनाया, उनको वो ठेका मिल गया और वो हवाई अड्डा मिल गया। इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों पे डाल दी है, पत्रकारों के ऊपर डाल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें देखिए जजमेंट को हम समझें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने चंदा दिया। अगर इस इंफॉर्मेशन से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस उद्योगपति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं है, वो उसका पालन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इसमें जो है फॉलो अप करना पड़ेगा कि इसको सरल तरीके से जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट से कि साहब हमको मिलान करने में टाइम लगेगा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलान करने की बात छोड़िए, पहले आप डेटा दीजिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पास जो डेटा था वो ले लिया, अब वो इन्हीं से मिलान भी करवाएगा, हो सकता है कराना पड़े, क्योंकि देखिए पत्रकारों के पास, हमारे आपके पास एक लिमिटेड एक्सेस है जो पब्लिक डोमेन में है, जो ROC की वेबसाइट है, हम उससे जाकर ही एक डिन नंबर के थ्रू हम निकालेंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, वो काम वो 5 मिनट में कर देंगे जो हमको 2 महीने लगे करने में। लेकिन हम ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और पूरी पत्रकार बिरादरी इसको स्वीकार करती है कि हम ये चुनौती जो है एक्सेप्ट करते हैं, आप लाइए, हम उसकी परतें जो उसकी जो लेयर्स है जिसके आपने छिपा रखा है वो लेयर्स भी खुलेंगी, टाइम लगेगा थोड़ा राजीव जी। जी बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन जरा मुद्दों की बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ। क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा जो 2019 में काफ़ी हावी रहा, क्या हिंदुत्व का मुद्दा, ये दो जो मुद्दे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बीजेपी के लिए, उसके अलावा जो वादे करते आए कि मंदिर वहीं बनाएंगे, 370 हटाएंगे, CAA NRC लेके आएंगे, ये सारे मुद्दे जो हैं वो सब अब किनारे हो गए क्योंकि जैसे जैसे आप फुलफिल किए, और इस बार किस चीज़ पे बीजेपी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देती है, किन मुद्दों पे, या वो विश्वगुरु वाला मुद्दा ही है सबसे हावी धरातल पे? क्या राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी खुद तय नहीं कर पा रही कि उसे इस चुनाव में किस मुद्दे के साथ उतरना है, वो खुद गफलत में है, इसलिए बार बार नए नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है और उसमें विफल रह रही है। सबसे बड़ी उसकी नाकामी है मंदिर मुद्दे को गरमाए न रख पाना। अभी 2 महीने से भी कम का समय हुआ है, मंदिर मुद्दा अब जनता के बीच में कहीं नहीं है। जो डॉक्टर दीपक पाचपोर कह रहे थे गारंटियों के विज्ञापन की बात, सचमुच में इस वक्त पूरे देश में विज्ञापनों की भरमार है बीजेपी।
हिमालय की तराई से लेकर अरब सागर में आप मुंबई के आगे अलीबाग स्थान है उसके समुद्र में घूमती हुई नौकाओं में मोदी जी का विज्ञापन देख सकते हैं आप, छोटी छोटी जो नावें तैर रही हैं, ये हालत है विज्ञापन की। लेकिन उन विज्ञापनों के बावजूद माहौल नहीं बन पा रहा है। प्रशांत जी ने जो बात कही उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूं, हम लोग परसों जब बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, तब भी मैंने कहा था ये खोजी पत्रकारों के सामने चुनौती है कि वे असली चेहरों तक असली नामों तक पहुंचे। फिलहाल न्यूज लाउंड्री नाम की न्यूज वेबसाइट ने एक खुलासा किया है कि उस सूची में 4 शेल कंपनियां हैं, 11 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सीबीआई ईडी वगैरह के छापे पड़े थे, उसके बाद उन्होंने चंदे दिए थे। तो जब इसका पूरा खुलासा होगा तो कई ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां आएंगी कि सरकार ने कंपनियों की चूड़ी टाइट करके उनका पेच कस के अपनी गुल्लक में पैसा इस तरह से जुटाया है। स्वाभाविक है जिन पर छापे पड़े थे उन्होंने चंदा तो बीजेपी के लिए दिया होगा, इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के उन्हीं को एनकैश कराने को दिए होंगे। कांग्रेस के पास तो ये हैसियत नहीं है कि वो किसी को डरा धमका सके, कंपनियों को, कारोबारियों को। तो ये चीजें जब पूरी तरह सामने आएंगी, जो चुनौती प्रशांत जी ने स्वीकार की है, हम में से बहुत सारे लोग हम कोई उस तरह के आर्थिक जानकार नहीं है ऐसे विषयों के, लेकिन वाकई में जो इसके जानकार हैं वे 15 तारीख की शाम से जुट जाएं ताकि देश के सामने इसका पूर्ण सत्य आ पाए। बीजेपी की परेशानी 15 की शाम के बाद और बढ़ने वाली है, वो अर्ध सत्य भी उसे परेशान करने के लिए काफी होगा। जी राजीव जी, जी क्या मुकेश जी ये बार बार जो सब्जेक्ट बदले जा रहे हैं, जो मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें ये आपको भी लगता है कि बीजेपी असफल हो रही है? निश्चित रूप से, आप देखिए ना, हम ही लोग आए दिन ये देख रहे हैं, आज एक नया मुद्दा आया, कल दूसरा आया, परसों तीसरा आया, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक मुद्दे पे कंसिस्टेंट नहीं है, जो इतनी स्ट्रांग होने का अपने को दावा करते हैं, 370 और 400 न जाने किसकी किसकी बात करते हैं, जो कहते हैं कि साहब हमारी विजय पताका यहां से वहां तक लहरा रही है, अगर उनके पास इतनी कंसिस्टेंसी होती, दिन रात मोदी गारंटी के विज्ञापन नाच रहे हैं इधर से उधर तक, अगर मोदी की गारंटी में इतनी जान होती तो जरूरत नहीं थी हमें कुछ और करने की। आखिर किया था ना अच्छे दिन आएंगे, उसके अलावा और कोई नारा था 2014 में इनके पास? तो आम तौर पे नारा एक ही पर्याप्त होता है, अगर वो निशाने पर लग रहा हो, अगर वो वाकई में उस तरह की मैन्यूवरिंग कर रहा हो जिसके लिए नारे को लॉन्च किया जाता है। यहाँ एक बात मैं और जोड़ू चलते चलते, मुझे लगता है कि शायद मेरी प्रशांत से भी मैं समझना चाहूंगा या मेरी जितनी जानकारी है मैंने थोड़ा स्टडी किया। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो नंबर है ना, ये यूवी लाइट से दिखने वाला नंबर, ये नंबर फिलहाल डिस्क्लोज होगा मुझे लगता नहीं। अभी भी जो लेटेस्ट उन्होंने की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया है परसों वाला, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डोनर कौन है, डोनर ने किस तारीख को बॉन्ड खरीदा और कितने का खरीदा, ये हो गई डोनर की जानकारी। रेसिपियंट कौन है, किस तारीख को उसने रिडीम कराया, ये आप हमें जानकारी दे दीजिए, कितने का बॉन्ड रिडीम कराया। सो तीन जानकारी इधर की और तीन जानकारी उधर की, देने वाला, पाने वाला, देने वाले की तारीख, खरीदने वाले की तारीख, बुनाने वाले की तारीख, खरीदने वाले का अमाउंट, बुनाने वाले का अमाउंट। अभी इन बिटवीन इसमें कहीं ये नंबर नहीं है। अगर ये नंबर है और अगर ये नंबर डिस्क्लोज होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो हम लोगों का एक काम होगा कि भैया कौन सा नंबर कहां से चला और कहां पहुंचा, ये पहली चीज हो गई। लेकिन दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर ये नंबर नहीं है, जो न्यूज लॉन्ड्री की बात की, नंबर नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें यह पता है कि यह पैसा राकेश जी ने दिया है। अब राकेश जी को बदले में और क्या क्या मिला है? राकेश जी का नाम दिख रहा है ना, डोनर वाले नाम में दिख रहा है। राकेश जी कहां से लाए, राकेश जी का पैसा कहां से आया, वो सेकेंडरी टर्सरी चीज है, लेकिन फेस पे हमें कागज पे राकेश जी का नाम दिखेगा। राकेश जी ने मेरे कहने से बॉन्ड खरीदा है, यह बात की चीज है। ऐसा होगा, खूब अच्छे से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में आसानी से यह दिख जाए कि राकेश जी ने फला फला कंपनी के कहने पर बॉन्ड खरीदा है। यह बात की चीज है, यह बाद में पता चलेगा, ढूंढा जाएगा। जब पब्लिक डोमेन में चीज आती है, पब्लिक डोमेन में क्यों लाई जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो राकेश जी के उस पहलू के बारे में भी जानते होंगे, जिसे हो सकता है मैं ना जानता हूं, आप ना जानते हो। तो अगर वो जानते हैं तो बता देंगे साहब राकेश जी के इनसे ताल्लुकात हैं, किसी को वेरीफाई करना है तो कर लीजिए, राकेश जी को उसको जो है वो मना करना है तो कर लीजिए, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो फिलहाल नंबर वाला इशू नहीं है। अभी सिर्फ हमें, हम लोगों के लिए इतना ही काफी है कि साहब पेपर पे नाम दिख रहा है राजीव रंजन
राजीव श्रीवास्तव का, और ये राजीव श्रीवास्तव ने पैसा इस तारीख को बॉन्ड लिया है। अब देखिए हमें क्या क्या दिखेगा, इस तारीख को राजीव जी ने बॉन्ड लिया, ये बॉन्ड जाहिर सी बात है अगले 10 दिन में या 15 दिन का जो पीरियड है, इस 15 दिन के अंदर ही तो रिडीम होना है। तो राजीव जी ने जो बॉन्ड लिया वो वहां रिडीम राजीव जी का बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ ये हमें नहीं दिख सकता एज ऑफ नाउ, जितनी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि राजीव जी ने बॉन्ड खरीदा है। फिर हम लोगों की ये काम है, राजीव जी कौन है, क्या करते हैं, कहां से पाए, कहां से आए, कहां गए, क्या इनके और धंधे हैं। जैसे अभी देखिए रेड पड़ने वाली बात जो पता चली, वो कैसे पता चली है, ऐसे तो पता चली है, न्यूज लॉन्ड्री ने ढूंढा है, वो कैसे ढूंढा है, यही तरकीब है। अब रही बात इसकी जो प्रशांत कह रहे हैं भाई 3 नंबर दे, यस वो भी एक काम है, लेकिन वो काम तब सिद्ध होगा ना जब राजीव जी नाम से पैसा दे रहे हैं और अपनी कंपनी के नाम से पैसा दे रहे हैं, ऐसा बहुत कम होगा, होगा इसमें भी ये चीजें कम होंगी कि सीधे कंपनियां ब्लैक एंड व्हाइट में अपने नाम के साथ दे रही होंगी, नहीं हो ही नहीं सकता। बेईमानी करने वाले इन तमाम तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, पहले भी करते रहे, फिर भी पकड़े जाएंगे। मैं कहता हूं ये भले ही चुनौती हो क्या, अगर मान लीजिए कि हम लोग 2,000 या 22,214 या 17 जो नंबर है, इतने इलेक्ट्रल बॉन्ड में से सबका कच्चा चिट्ठा नहीं खोल पाए, हालांकि ये कमांडर लोकेश बत्रा मेरे ख्याल में अगर उनका नाम है तो जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जिन्होंने इसकी शुरुआत वहां से की थी, उनका कहना है कि नहीं हम उसके बाद भी खोल लेंगे, बहुत अच्छी बात है अगर हमारे पास उस चीज की जानकारी निकल आए। ये हो सकता है राजीव रंजन का, जैसे हमको राजीव का नाम पता चलेगा हम उसका टिन नंबर देख करके की कोशिश करेंगे कौन हो सकते हैं राजीव। तो सुप्रीम जो प्रशांत कह रहे हैं वो ठीक है वहां तक, भैया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सोसाइटी के ऊपर दे दी, आओ ढूंढो दिमाग लगाओ, लेकिन हाँ ये भी मैं पहले भी कह चुका हूं सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये रास्ता बंद नहीं किया है कि वो आगे चल करके इन्हीं एजेंसी से कहेगी मैच करके बताओ जो बात जहां से फैसला अधूरा है, जरूर कह सकती है, अभी उसने कभी मना नहीं किया, फिलहाल ये है डाटा दो, आगे चल करके अगर किसी वजह से ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, ऐसे झगड़े होते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है चलो यार अब लाओ जरा लाओ मैच करके लाओ, ये होगा, ये खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इनकी जान के लिए आफत बन गया, भस्मासुर है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इनका, देखा था इनकी गोद में डाल करके अरुण जेटली। मुकेश जी एक चीज जोड़ना चाह रहे हैं जी, मुकेश जी चाह रहा हूं कि जो बॉन्ड रिडीम नहीं हुए हैं वो पीएम के फंड में चले गए, ये भी तो खबर सामने आ रही है, उनका कैसे पता लगेगा कौन कौन के थे पीएम केयर फंड में चलेगा, पीएम केयर फंड अपने आप में पहली है, मैं वही कह रहा हूं वो ये वहां भी फंसेंगे, वो भी मामला सब जुडिस है, इसी सुप्रीम कोर्ट के पास बैठा हुआ है जी, कहीं जी, दूर नहीं जाना है। तो 170 कुल है, 22,217 में से 187 घटा दीजिए 22,030 बचते हैं, 22,000 बहुत है, हमें आपको अगर 200-500 की जानकारी मिल गई ना तो वो अपने आप में बारूद की बत्ती का काम करेगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। अभी देखिए 30 मामलों को जो खोला गया, 30 इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपको क्या पता चलता है 325 करोड़ के आसपास कुछ पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, किसको गया है साफ है। तो ये बचेंगे नहीं आप, ये स्थिति इस तरह की हो गई, वो जो बात कही थी प्रोफेसर रवि कांत ने कि रथी महारथी वाली बात की, रावण रथी और कौन राम बगैर रथी, वही स्थिति होने वाली है, वही होने वाली है, और बहुत मुश्किल नहीं है ये समझना। अगर अभी जो इसी बात को पलट दीजिए तो अगर जो आपको ये लगता है कि इनके नैरेटिव सेट नहीं हो रहे, आए दिन क्यों इनको नए नैरेटिव थामने पड़ रहे हैं, क्यों इनको अपने जीते हुए कैंडिडेट को रोकना पड़ रहा है, क्यों इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, इन सब बातों का जवाब तो यही है, इसीलिए नहीं चल रहा क्योंकि ग्राउंड पे इनको इनकी स्थिति हिलती हुई बदलती हुई डगमगाती हुई दिख रही है, वरना काहे की चिंता थी। एक बात बताइए, मेरी जेब में पैसे हों तो मैं काहे कंजूसी दिखाऊं, ये बड़ी सामान्य बात है, कोई मतलब विचित्र सी बात नहीं है ये। अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं मजबूत हैं तो आप क्यों ऐसी कोई चीज करेंगे भाई जिससे ये। प्रशांत कुछ कह रहे हैं जी, प्रशांत जी केवल एक क्लैरिफिकेशन, ये कि वो अल्ट्रा वायलेट नंबर से जो सिक्योरिटी फीचर है, जो सीक्रेट नंबर है, यूनिक नंबर है हर बॉन्ड में, वो हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास फिजिकल बॉन्ड की कॉपी हो ओरिजिनल, वो हमारे पास बॉन्ड की कॉपी, इसलिए वो बॉन्ड ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, यूनिक नंबर देना पड़ेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन नहीं होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 16 आना सही बात है कि आपके चार बोर्ड नहीं पूरा हुआ, लेकिन
तो बॉन्ड का नंबर अभी हमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं दिखने जा रहा, नहीं दिखने जा रहा, सवाल ही नहीं होता, वो दिखने नहीं जा रहा है कि हम उस पर एक एक नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो इधर इधर वाली फाइल में सर्च करो भैया कहां दिख गया, तो बड़ा सीधा सा हिसाब है कहां दिख गया, लेकिन वो नहीं दिख रहा। तो हमें यहां पर सिर्फ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना ही बोला इनको, भैया तीन चीज दे दो, किस तारीख को दिया, किसने दिया, किस अमाउंट का दिया, किस तारीख को पाया, किस कितने का पाया, किस पार्टी ने पाया। तो फिलहाल ये समस्या ये, लेकिन उतना भी इनके लिए काफी है, उसमें से भी 5, 10, 20, 30, 50 ऐसे मामले निकल आएंगे जो साफ साफ भैया ये है वो फरानी कंपनी, ये है वो चाइनीज एंटिटी जिसने ऐसे ऐसे करके इस रूट से उस रूट से, सब निकलेगा, हमेशा निकलता रहा। आप देखिए ना, याद कीजिए बफोर्स की बात, कहां उनके रेडियो पे हुई थी, क्या नाम है, स्विट्जरलैंड में ना रेडियो पे हुई थी ना, किसी जाना उस जमाने की दुनिया जी, और क्या 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 चीजें निकल के आई, रुक पाएंगे आप, कोई रोक पाया है आज तक? अरे हमारे देश की चलिए जो भी स्थितियां हैं, बड़े बड़े और भी तो बहुत सारे भाई, वाटर गेट कांड क्या है, निक्सन कैसे चले गए, वो तो अमेरिका की स्थिति थी ना, तो क्या वहां के लोग कम माइटी थे, माइटियर थे? नहीं रुकेगा ये, आप इसलिए नहीं रुकेगा और आप इसलिए नहीं बचा पाएंगे अपने आप को, क्योंकि सारा का सारा जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो बदनीयति से किया गया है। बदनीयति की चीज थोड़े समय तो टिकती है, लंबे समय तक नहीं टिक सकती, और अगर ऐसा भी होने लग जाए कि लंबे समय तक टिके तो फिर दुनिया में कोई दीन ईमान नैतिकता मॉरल ये सब चीजें बचेंगी नहीं, फिर कैसे बचेंगी? बिल्कुल संभव ही नहीं है। ये हमारा एक जनरल बिलीफ है कि बदनीयति सूनर और लेटर आपको नुकसान पहुंचाएगी। जिस दिन इस जनरल बिलीफ से लोगों का बिलीफ हट जाएगा, सोच के देखिए उस दिन दुनिया में कैसी अराजकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी क्लोजिंग कमेंट, बहुत सारी बातें हो गई, मैं सवाल नहीं रख रहा हूं, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए ये बहुत बड़ी गले की फांस बनने जा रही है, और जो जो किया है मोदी जी ने पिछले 10 साल में, जिनका नंबर था 600 के ऊपर वो दूसरे नंबर के अरबपति हो गए थे और आज बहुत कुछ डूब गया, तो ये सब कैसे हो रहा था, कौन धनपति कुबेर हो गया और 80 करोड़ लोगों को आपने राशन की लाइन में खड़ा कर दिया, लोगों का सम्मान स्वाभिमान उनकी गरिमा जिस तरह से आपने ध्वस्त की है, और मैं तो बार बार कहता हूं कि मोदी जी ने इस देश की जनता को जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, चाहे कोरोना का काल रहा हो चाहे राशन की लाइन हो, पेट तो जानवर भी भरता है, आपने लोगों से उसका विवेक छीन लिया, उसकी एजुकेशन छीन ली, उसकी नौकरियां छीन ली, तो इसलिए देश मोदी जी को माफ नहीं करेगा। आज तो सामने चुनाव है, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो किन अक्षरों में लिखा जाएगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला वक्त वो जो उनका कानूनन जो होगा वो होगा, लेकिन जो मोदी जी ने ऐश्वर्य हासिल किया था, जो लोकप्रियता हासिल की थी, वो रसातल को जा चुकी है, और लोग जी जो कई बार कहा जाता है कि टेलीविजन पर सूरत देख करके चैनल बदल लेते हैं।